श्रम में जीवन का सौंदर्य, स्वास्थ्य, संपन्नता, सिद्धि और समाधान के द्वार छिपे हैं। जिन्हें श्रम करना आता है उन्हें अलभ्य, दुष्कर, दुसाध्य, अप्राप्य प्राप्त हो जाता है, असंभव उनके लिए है जो उद्योगहीन है, प्रमादी हैं, विषयी हैं, जिनमें पलायन है, अश्रद्धा है, आत्महीनता है, विचार, विवेक और ज्ञान का अभाव है, जो स्वयं को निपट एकाकी अनुभव करते हैं। उनके आसपास फिर बहुत कठिनाइयां हैं, वहां असंभवता है, दुर्लभता है, पर जो श्रमिक है, जो श्रम करना जानता है, तप करना जानता है, उसे सब सहज है, सुलभ है। इसलिए एक बहुत अच्छा सा विचार यह हो सकता है कि कोई ये पूछे कि कठिन क्या है, तो कठिन कुछ और नहीं, बस आरंभ करना ही कठिन है और कुछ कठिन नहीं। अगर आप आरंभ कर चुके हैं, ऐसा आरंभ जिसमें सातत्य है, गति है, स्फूर्ति है, निरंतरता है, अविकल अविच्छिन्न आपके पास श्रद्धा है, निष्ठा है, उस आरंभ को अंत तक ले जाने के लिए, उस आरंभ की सिद्धि तक जाने के लिए, उस आरंभ को पूर्णता प्रदान करने के लिए, उस आरंभ को एक अनंतता का आकार देने के लिए अगर ऐसी कोई आस्था आपके पास है, तो फिर श्रम आरंभ होता है। इसे कोई पूछे कि सौंदर्य, स्वास्थ्य, सुंदरता, संपन्नता, वैभव कहां छिपा है, वो श्रम में है। शरीर का श्रम, मानसिक श्रम, बौद्धिक श्रम, आत्मश्रम, एक बीज भी कभी कभी श्रम करता है, धरती के साथ जुड़कर, वहां एकीकृत होकर, वहां की नमी, उर्वरा, गंध, गीलापन, उसके साथ एकाकार होकर वो भी कुल बुलाता है, मचलता है, निकलने के लिए व्याकुल होता है, अपनी संभावनाओं को उद्घाटित करने के लिए कुछ तो श्रम करता है, और फिर धरती की छाती चीर कर पानी पानी होकर वो पूरा गल कर मिट कर वो वृक्ष बनकर बाहर निकलता है। इसे ये ध्यान रहे कि कोई पल ऐसा ना हो जिसमें आलस्य हो, प्रमाद हो, जड़ता हो, शठता हो, चांचल्य हो, मनमूढ़ता हो और लक्ष्य से दुर्लक्षता हो, सत्य से विरक्ति हो, सत्कर्मों में अरुचि हो, उपदेश की अमान्यता हो, सिद्धांतों की उपेक्षा हो, कोई ऐसा पल ना रहे। बस वही पल पापकारक, कष्टकारक हो सकता है, वही पल जिसमें असावधानी है वो बड़ी विपत्ति का एक कारण बन सकता है। समुद्र मंथन में ये एक मनोयोग, तदाकारता, तद्रूपता, तल्लीनता, तन्मयता, तदभासता, तादात्म, तदयुक्ति और तात्कालिक साधना का प्रभाव दिखाई देता है। तात्कालिक युक्तियां क्या हो, कई बार अध्ययन, अनुभव, संस्कार, विचार वो धरे रह जाते हैं, कभी कभी परिस्थितियां, ऋतु, वायुमंडल परिस्थितियां, कोई अज्ञात प्राकृतिक प्रभाव, प्रकोप नए मार्ग दिखाता है, नए साधन सुझाता है,
कोई नया विकल्प लाता है, पूर्व के साधन सामग्री योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, जितनी डिटेल्स में आप गए सब धराशायी। जो योजना बनाई है, योजना बने अच्छी बात है। और एक और बात है, निर्माण से पूर्व योजना महत्वपूर्ण होती है। योजना जितनी सशक्त प्रभावी, योजना में जितनी अधिक परिपक्वता अध्ययन अनुभव समाविष्ट होते हैं, योजना जितनी सधी है, पकी है, सुनियोजित है, सुनिश्चित है, योजना निर्माण उतना ही सुंदर होता है। इसे मुझे नहीं लगता कि निर्माण कोई बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे तो लगता है कि योजना महत्वपूर्ण है, संकल्प महत्वपूर्ण है, उसकी रूपरेखा महत्वपूर्ण है। निर्माण तो हो जाता है, निर्माण से पूर्व योजना चाहिए, संकल्प चाहिए। बड़े बड़े सेतु, भवन, उच्च अट्टालिकाएं हतप्रभ कर दें, आप में एक कुतूहल पैदा कर दें, आप अवाक से रह जाएं, विस्मित रह जाएं, चकित से रह जाएं, अचंभित रह जाएं। ऐसी गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनी, लेकिन उन्हें यूं ही धरती खोदकर, प्रस्तरों को जोड़कर, उनमें झरोके, स्थापत्य वास्तु, शिल्प कला और उनमें सौंदर्य, सज्जा, शोभा पैदा नहीं की गई। वो सब पहले कागज पर उतारा गया, वो सब पहले योजना बनाई गई, शिल्प की, स्थापत्य की, वास्तु की, कोण की, दृश्य की, शोभा की, सज्जा की, एक एक कोने में कहां और क्या हो, उपयोगी कोना कौन सा होगा, किस कोने में कहां से सज्जा, सुंदरता, शोभा, पूर्णता, रिक्तता, ये सब योजना। और फिर निर्माण, निर्माण के लिए हाथ बाद में निकलते हैं, निर्माण के लिए कागज पत्थर, उत्खनन, खनन, वो सब बात की चीज है। वो सेतु हो, भवन हो, वाहन हो, कौतुकीय कोई एक दृश्य हो, उसके लिए योजना, एक बड़ी योजना, एक बड़ा श्रम, समुद्र मंथन, बड़ा श्रम, समुद्र को मथना बड़ा श्रम है। एक संयुक्त प्रयोग किया गया, एक गठबंधन की प्रकृति उस समय पैदा हुई, गठबंधन की प्रकृति अपने हित साधने के लिए, संयुक्त मोर्चा, न्यूनतम कार्यक्रम तय कर लिए गए। पहले तय कर लिया गया ऐरावत, उच्छश्रवा, लक्ष्मी, कौस्तुभ, मणि, कामधेन, अमृत, कैसे वितरण होगा उसका। पर कहीं धीरे से मन के किसी एक कोने में अधिक लाभ की एक प्रवृत्ति दोनों पक्षों में, कहीं उनमें एक अधिक लाभ, अधिक सत्ता, अधिक सुख, अधिक सम्मान। श्रम एक जैसा है, तप एक जैसा है, योजना में एकीकृत हो गए, दो विषम बुद्धियां लग गई, दो प्रतिकूल चित्त एकीकृत हो गए, दो प्रतिकूल विचारधाराएं, परस्पर वैर, शत्रुता, परस्पर उनमें बहुत दूरियां, पर किसी बड़े सुख और सत्ता के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए एक जगह दो प्रतिकूल विचारधाराएं खड़ी हैं। तो ये गठबंधन की प्रकृति तो बहुत आरंभ से है, ये तो बहुत आरंभ से, ये कॉलिएशन एटीट्यूड तो बहुत पहले से है कि भाई एक जगह इकट्ठे हो जाएं बड़े कार्य की सिद्धि के लिए। पर उसमें ये युक्ति लगाई गई कि कामधेनु अगर निकल रही है तो ये कामधेनु इन दुराचारियों के हाथ, इनके हाथ ना लगे, क्योंकि कामधेनु का अर्थ ही यह है कि वो तात्कालिक काम की पूर्ति करती है, भौतिकी इच्छाओं को साकार करती है, जो अभिप्सित है चित्त में, जो कुछ भी एक आकांक्षित है, मनभलिषित है, मनोरथ की सिद्धि में जो तात्कालिक
सहायक है वो कामधेनु है। इसे ऐसी कामधेनु इनके हाथ न लगे जो दैत्य हैं, दुराचारी हैं, दमन, अनीति, अन्याय, शोषण, अतिक्रमण, भारी उत्खनन जो करते हैं, उनके हाथ ये कामधेनु न लगे। और हमारे पास भी सीधे सीधे आई तो ये विरोध होगा, इसलिए उन हाथों में कामधेनु सौंपी जाए जो निश्चल हैं, निष्काम हैं, आप्तकाम हैं, पूर्णकाम हैं, जहां इसकी सत्ता की सुरक्षा है और उसका दोहन नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। इसलिए कामधेनु ऋषियों को सौंप दी गई ये कहकर कि यज्ञ याग की पूर्ति के लिए आप इसे रखें, वो निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, उन्हें अधिक चाहिए ही नहीं, इसलिए कामधेनु ऋषियों को सौंप दी गई, क्योंकि वो अपव्यय नहीं करेंगे, वो मितव्ययी हैं, वो अधिक उत्खनन नहीं करेंगे, वो अधिक भंडारण और संचय नहीं करेंगे, वो यूं धरती नहीं खोद लेंगे रसायन अभ्रक के लिए, लोह के लिए, तैल भंडारों के लिए, या आकाश में उपद्रव नहीं करेंगे, वो अंतरिक्ष की शांति बना के रखेंगे। वो आज अंतरिक्ष में देखो कितनी अशांति है, वहां कितना कोलाहल है, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कोलाहल है। एक मिनट में लगभग 10,000 एयरक्राफ्ट अकेले यूएस के अंतरिक्ष में मंडरा रहे होते हैं विद इन ए मिनट। एक मिनट का आंकड़ा 10,000 एयरक्राफ्ट का है। और हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कहा ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष में कोलाहल ना हो, अंतरिक्ष में वहां की शांति, नीरवता, चुप्पी, वहां का मौन चीर मत देना, आकाश को स्थिर रहने देना, ओजोन की परतें शिथिल ना हो जाए, धरती की उर्वरा मंद ना हो जाए, इधर रसायन मत झोंक देना, धरती को वंध्या मत बना देना, अन्न में विकृति मत पैदा करने देना, जल को शुद्ध रहने देना, वायु में निर्मलता रहनी चाहिए, शुचिता रहनी चाहिए, पवन, प्रकृति, प्रकाश, पर्वत पवित्र रहे, उनमें असंतुलन ना हो। इसलिए इनके हाथों में से सौंप दो, कामधेनु वहां सौंप दी गई उन हाथों में यज्ञ याग की पूर्ति के लिए, ऋषियों के पास कामधेनु चले गए। इसलिए बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं वो राष्ट्रीय संपदा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरों के लिए सबके लिए है, उन पर एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये पेटेंट की प्रवृत्ति बहुत अच्छी प्रवृत्ति रही है, तुलसी, हल्दी, नीम, बबूल, ये कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है कि इस पर हमारा एकाधिकार हो, ये हमारे हित सिद्धि के लिए, और इनका कोई और प्रयोग ना करे तो वो हल्दी हो, बबूल है, नीम है। योग की बात पर हमारे ऋषियों ने प्रतिशत का प्रबोध कराया, अंक का बोध कराया, आखर बोध कराया, अन्न औषधियों का बोध कराया, उनमें एकाधिकार की भावना कभी पैदा नहीं हुई। इसलिए इसमें जो महंगी महंगी चीजें निकली औषधियां, वो ऋषियों के हाथ लगी, औषधियों का बोध ऋषियों के पास गया, कामधेनु ऋषियों के पास गई, कल वृक्ष सीधा स्वर्ग में पहुंच गया, मानवीय अंकुश उस पर न रहे, मानवीय अधिकार में न रहे, अंतरिक्ष का ओज, धरती की उर्वरा, दिशाओं का संतुलन, गगन का गांभीर्य, धरा का धैर्य, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अनंत आकाश से आने वाला जीवन और ऊर्जा, ऊष्मा, इस सब पर जो अधिकार है वो मनुष्यों का नहीं होना चाहिए, दैत्यों का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सामान्य चीजें थी वो बटने लगी, उच्च श्रवा एक चपल और चंचल अश्व दैत्यों के हाथ लगा, और अधिक मान और बड़ा अभिमान पैदा कर देने वाला ऐरावत इंद्र के हाथ लगा, चीजें बटने लगी, अधिक मान, अधिक अभिमान, अहमन्यता पैदा करने वाला गज ऐरावत इंद्र के हाथ लगा, चपल अश्व घोड़ा, उच्छे शोभा घोड़ा दैत्यों के हाथ लगा, लेकिन लक्ष्मी किसी के हाथ नहीं लगे, लक्ष्मी ने मना कर दिया,
मैं दैत्य दुष्टों के हाथ नहीं जाऊंगी और देवताओं के पास भी नहीं रहूंगी, ये पुण्य के प्रभाव से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मैं केवल पुण्य की वस्तु नहीं हूं। पुण्य से स्वर्ग मिल सकता होगा, श्री नहीं। पुण्य से धन मिलता होगा, श्री नहीं। पुण्य से वैभव मिलता होगा, संपदा मिलती होगी, श्री नहीं। पुण्य से धन मिलता है, वैभव मिलता है, संपदा मिलती है। कौन कहता है कि पुण्य से संपदा वैभव नहीं मिलता, धन नहीं मिलता? पुण्य धन कारक है, पुण्य से बहुत धन मिलता है, लेकिन श्री और धर्म धन से नहीं मिलते। श्री लेनी हो तो वो धन से कहां मिलेगी? और ध्यान रहे, श्री ईश्वर का एक अंग है, धन ईश्वर का अंग नहीं है, अर्थ ईश्वर का अंग नहीं है, धर्म ईश्वर का अंग है। इसे भगवान की छह वस्तु बताई गई, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, ऐश्वर्य। तो जो श्री है वो भगवान का अंग है, जैसे गुणवान, शीलवान, धनवान, प्रज्ञावान, पहलवान, वैसे ही भगवान। गुणवान, शीलवान, धनवान, बलवान, कोचवान, पहलवान, एक और है भगवान। जहां ये चीजें हैं, जहां गुण है गुणवान, शील है शीलवान, धन है धनवान, रूप है रूपवान, विद्या है विद्यावान, हाथ में प्रतोद की फटकार चाबुक है कोचवान, लीजिए, और एक है गुण ये भगवान। माने जहां श्री है, धर्म है, ज्ञान वैराग्य है, पुण्य से मैं प्राप्त नहीं हो सकते। पुण्य से धन मिल सकता है, अर्थ मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, भौतिकी प्रभाव पैदा हो सकता है, स्वभाव नहीं। इसलिए दो चीजें बड़ी विचित्र हैं। अर्थ की अधिकता से एक प्रभाव तो पैदा कर सकते हैं आप, पर स्वभाव बदलेगा ये कठिन है। अर्थ की अधिकता से एक प्रभाव आ सकता है, अर्थ की अधिकता आपको एक प्रभाव तो दे सकती है, प्रसिद्धि दे सकती है, भौतिकीय प्रभाव कुछ और होता है। अर्थ की अधिकता अधिक प्रभावशाली बना सकती है, अर्थ की अधिकता साधनों की अधिकता अथवा संपन्नता अथवा सिद्धि या कि प्रसिद्धि अथवा बहुत बड़ा पद, कोई प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, ये सब एक प्रकार से अर्थ ही है, एक प्रकार से धन ही है ये लोक संग्रह। तो आप में एक अर्थ की अधिकता है, साधनों की अधिकता है, तो साधनों की अधिकता से, अर्थ की अधिकता से प्रभाव तो बड़ा व्यापक हो सकता है, लौकिक प्रभाव, लेकिन एक स्वभाव बदलेगा वो कठिन बात है। स्वभाव, स्वभाव में विनम्रता, शील, धैर्य, साहस, स्वभाव में स्थिरता, संयत रहें, स्वभाव में पवित्र रहें, निजता में रहें। स्वभाव माने अपने आप में रहें, स्वभाव माने अपनी प्रकृति में रहें, अपने मूल में रहें आप, स्वभाव माने अपने सत्ता में रहें आप। तो अर्थ की अधिकता से हो सकता है कि आप प्रभावशाली बन जाए, पर प्रभाव और स्वभाव दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो कभी अर्थ की अधिकता हम में एक अलग प्रकार का प्रभाव पैदा करती है हमारे आसपास, अर्थ की अधिकता, लेकिन श्री हमारे स्वभाव को सुरक्षित रखते हैं। तो देवताओं को और दैत्यों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकी, लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो, लक्ष्मी माने श्री। इस पर बहुत बड़ी बात पूज्य कर्पात्री जी महाराज एक बार कहते हैं कि एक वाक श्री है, वाक वैभव, वाक बिता, एक वैराग्य श्री होती है। इसे संतों का भी अपना एक ठाट बाट होता है, ऋषि मुनियों का एक अलग प्रकार का, उनके पास भी ऐश्वर्य होता है। थकी हारी सेना जब पहुंची गंगा के तट पर, कौशिक नाम के किसी दिग्दिगंत को जीतने वाले दिग्विजयी सम्राट की सेना, और तब उसने कहा था एक योगी से कि प्रणाम करके, आचमन कर, थोड़ा चुल्लू भर जल पीकर आपके चरण छूकर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं जलपान नहीं कर पाऊंगा आपके यहां, ये थोड़ा जो आग्रह आपका, फल फूल जो मुझे आप अर्पण कर रहे हैं प्रसाद में, ले नहीं पाऊंगा, द्वैत होगा, दो भांति हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगा। मेरे अमात्य सृष्टि और मेरे अतिरथी, रथी, महारथी, सब सैनिक
थके हैं, हम पूरे संसार को जीत कर निकले, दिग्विजयी हूं मैं, अब सेना थकी है मेरी, अब तो मुझे नगर पहुंचना है, राजधानी में पहुंचना है, आपका दिया हुआ ये प्रसाद फल फूल मैं यहीं छोड़कर जाता हूं, मैं अकेला भोजन कर लूं, केवल मुझे रस फल दे दें आप, मेरे लिए व्यवस्था कर दें, पर मेरे सचिव सेवक और सारथी और ये हमारे चिंगारने वाले हाथी अश्व सेवक ये सब तो बहुत थके हैं, इनको कहां से मिल सकता है, इन्हें मैं भूखा नहीं देख सकता। और तब वशिष्ठ ने कहा था कि उनका भी प्रबंध हो जाएगा, बस संकल्प किया कि नंदनी ने सब कुछ पैदा कर दिया, एक छोटी सी बछड़ी, एक छोटी सी गाय की बछड़ी आंगन में बंधी थी, साधु ने उसे आज्ञा दी और नंदनी नाम की गाय की बछड़ी ने वो व्यवस्था कर दी जो स्वर्ग में कल्पना नहीं की जा सकती। कुबेर का कोश लज्जित हो गया उसके सामने, वो अनुचरियां परिचारिकाएं पैदा हो गई जो रंभा उर्वशी मेनका के सौंदर्य को लज्जित कर रही थी, ऋषियों ने उस ऋषि ने ऐसी सेविकाएं परिचारिकाएं दासियां दास बड़े भवन कनक भवन पैदा कर दिए सेवा। उस राजा ने कहा कि महाराज ये सब किससे मिला है आपको, संत ने कहा ये गौ से मिला है, नंदनी से मिला है। तो फिर उस राजा ने कहा कि ये नंदनी मुझे दे दीजिए आप, अब ये मेरी हो गई, ये तो आप जानते ही हैं, मैं राजा हूं, दिग्विजय हूं, पूरे संसार को जीत कर निकला हूं, पूरा संसार मेरे अधीन भी है, एक प्रकार से इस पूरे विश्व का जो कुछ भी लौकिक अलौकिक है वो मेरे अधीन है, मैं नरपति हूं, मैं नरश्रेष्ठ हूं, अब मैं नरेंद्र हूं, अब मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो वैसे भी ये सब मेरी वस्तु है एक प्रकार से, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। और तब उस साधु ने कहा कि अगर ये दासियां दास अनुचर और सचिव सेवक प्रदान कर सकती है तो ध्यान रखना ये बलवान सैनिक भी प्रदान कर सकती है मुझे, इसकी सैन्य सामग्री, इसकी सामरिक नीतियां, इसका सामरिक कौशल, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बंदी बना ले। इतना कहना भर था कि उसके कानों में से लक्षाधिक सैनिक निकले और वो सारे के सारे सैनिक वहां बांध लिए गए, बंदी बना लिए गए। तब उसे लगा धिग धिग बलम क्षात्र बलम, धिकार है इतना सब कुछ मेरे लिए, इतना कुछ करने के बाद भी एक जोगी से परास्त हो गया, एक जोगड़े ने मुझे हरा दिया, न कुछ कोपीन कदली कोपीन पहनने वाला, एक कदली पत्र, ये थोड़ा दुर्वा के रस से उधर की आग में डागा और ये कदली छांव में रहने वाला ये जोगड़ा मैं से परास्त हो गया। फिर वो तप करने निकले, श्रम करने निकले, वो एक अलग बात है, हठी व्यक्ति से तप किया उसने, भले ही इंद्र ने मेनका भेज दी हो, भले ही फिर कई कठिनाइयां आई हो, लेकिन आप पेड़ पर आदमी पैदा करने की कुव्वत तो उसने पैदा कर ली, उसका नाम था विश्वामित्र। पेड़ पर नारियल में आदमी पैदा कर सकूं तो तप से कुछ भी संभव है, कभी कभी स्पर्धा भी अच्छी लगती है, रोज नहीं, अच्छी बातों में स्पर्धा हो, स्पर्धा आगे लेके जाती है, कभी स्पर्धा अच्छी लगती है आगे बढ़ाओ, इसे कहेंगे श्री, एक वैराग्य श्री होती है और वो पुण्य से प्राप्त नहीं होती, कर्तापन का अभिमान कहीं है, साधना का ज्ञान कहीं है, तपस्या का किंचित भी बोध आपको है, अपनी पूज्यता के प्रबोध में कुछ पल भर भी रहोगे तो सारी आपकी स्वाभाविकता खो जाएगी, जो पूज्यता का प्रबोध है वो किंचित भी है तनिक भी आपको ये ज्ञान भान और आपके संज्ञान में बात बैठी है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, विद्वान हूं, गुणी हूं, चतुर हूं, महान हूं, मैं जयी हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च पदस्थ हूं, तब आपकी स्वाभाविकता चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मी उनके आधे नहीं हूं, सब पूछते रहे कि मां किसकी बनोगी, ऋषियों को, मुनियों को, दैत्यों को, देवताओं को, चतुरानंद को, इंद्र यम वरुण कुबेर को, सबको नकार कर वो एक ओर चलने लगी, तब शिव को लगा कि मेरी बन सकते हैं। तब भगवान ने कहा उच्च आसन पर बिठाकर नित्य आपकी वंदना अर्चना पूजा हम करेंगे, मैं और मेरी भारिया पार्वती प्रतिदिन आपकी वंदना करेंगे।
आप चलें, क्योंकि देवताओं के बंटवारे में आप किसी की तो बनेंगे। तो उन्होंने कहा हे शिव, आपकी नहीं बनोगे, आप में इतना भोलापन, इतनी उदारता, आप आशुतोष हैं, कोई भी अयोग्य आपको प्रसन्न कर लेगा और आप दान में मुझे दे देंगे, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि आप अति उदार हैं। और अति उदार जो व्यक्ति होते हैं वो मेरा रक्षण संरक्षण नहीं कर पाएंगे। मेरा संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, मेरा संवर्धन आवश्यक है। धन पड़ा रहे, पड़ा न रहे, विनियोग हो, निवेश हो, वितरण हो, विनियोग हो, प्रसार हो। मैं लक्ष्मी हूं, चपला हूं, चंचला हूं, चलायमान हूं, नित्य गति मुझ में है, गतिरोध मुझे मान्य नहीं, गतिरोध मुझे मान्य नहीं, मैं तो नित्य चलायमान हूं। मेरे तो बहुरूप हैं, एक रूप में मैं नहीं रहती हूं, अनेक रूपों में रहती हूं मैं, इसे मैं शांत होना चाहती हूं। अमान्य मान दो मान्य, तो वहां वो कहां चली गई? विष्णु के पास चली गई। अमानी मान दो मान्य, जो अमानी है, जिसे मान तनिक भी मान का ज्ञान नहीं, मैं बड़ा हूं, बड़प्पन का भान नहीं। त्रिदेव परीक्षा में भृगु का पाद प्रहार जो सहन कर सके, त्रिदेव परीक्षा में जो भृगु का पाद प्रहार सहन करे, उसके चरण चूमने लगे ये कहकर, वज्र जैसा वक्षस्थल, अरे ब्राह्मण मेरा ये वक्षस्थल वज्र जैसा चोट तो नहीं लगी, तो जो ब्राह्मण के चरण चूमने लगे, ऐसा विराट विष्णु, कितने अमानी हैं वो। एक उन्मत्त ब्राह्मण ने, एक आवेश में आए ब्राह्मण ने और दागर लात मारी विष्णु की छाती में, कि देखें बड़प्पन कितना है इनमें। और वो उस ब्राह्मण के चरण चूमने लगे, उसकी चरण रज से स्वयं को धन्य अनुभव करें। तो ये एक बड़प्पन, बड़ों में बड़े कहते उन्हें हैं जिन्हें बड़प्पन का बोध नहीं होता। लक्ष्मी जी वहां चली गई पवित्रता में, क्षीर सागर में चली गई, जो बहुत पवित्र है, उन्हें पवित्रता का वास प्रिय है। लक्ष्मी वहां रहती है जहां पवित्रता। अब उनके दिन निकट आ रहे हैं, ये पूजा के दिन, उनकी उपासना अर्चना के दिन, कुछ दिनों के बाद में फिर उनकी उपासना, तो क्या प्रिय है उन्हें? पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, उन्हें मन विचार की पवित्रता, मन में विचार है, वैचारिक पवित्रता, भाव सुचिता, चिंतन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, जहां ये सब चीजें हैं वहां लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। इसलिए जहां चिंतन की शुद्धता है, आचरण की पारदर्शिता है, भाव सुचिता है, वैचारिक पवित्रता है, ऐन्द्रिक पवित्रता है, वहां लक्ष्मी भागी चली आती है। वो प्रदक्षिणा करने को तत्पर है, वो आधीन होने को उत्सुक है, वो वहां निरंतर चिरस्थाई डेरा बना लेंगे अपना। इसलिए पवित्रता लाए हम, और पवित्रता उन्हें प्रिय है, उन्हें अमानता प्रिय है, निर्दोषता प्रिय है, सममी निर्दोषम ब्रह्म, निर्दोषता प्रिय है। लक्ष्मी को प्रिय क्या है? निर्दोषता, निश्चलता प्रिय है। अगर आप में निर्दोषता है, निश्चलता है, पवित्र हैं आप, मन बुद्धि चित्त चेतना के धरातल पर आप में पवित्र है, लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। कौस्तुमणि तो किसी के हाथ नहीं लगी, भगवान के गले की शोभा बन गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारा उन पर अधिकार नहीं है, न तो उतना हमारा तप है, न विद्या है, न उस प्रकार की हमारी साधना, न वैसा हमारे पास बल, न उनके रक्षण के लिए सामर्थ्य, तो उनकी कल्पना भी हम क्यों करें। पर इतना कुछ पाने के बाद में, कि जब लक्ष्मी भी आई और सब आ गया, वैभव आ गया, सिद्धि प्रसिद्धि आ गई, तो अमृत घट से पूर्व, अब अमृत निकले उससे पूर्व वारुणी घट, वारुणी माने विष, मदिरा का घट। तो कभी कभी एक नशा सा आ जाता है एक आदमी में, कुछ इतना सब पा लेने के बाद, जब बहुत बल आए तब आदमी भद्र नहीं रह पाता, अभद्र हो जाता है। बहुत बल पाने के बाद तो बलभद्र ही भद्र रह सकते हैं, अन्यथा तो आदमी अभद्र हो जाता है। अधिक बल आए, अधिक कीर्ति आए, आपके पास खूब बल हो, कीर्ति हो, विद्या हो, सौंदर्य हो, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की अलौकिक क्षमता हाथ लग गई हो, देव अनुकूल हो गए हों, आपकी प्रत्येक कामना सिद्ध होती हो,
अजेय पुरुष आप बन गए हो और फिर भी आपको अभिमान नहीं छूता है, तो भैया दो बातें हो गई, या तो आपको भगवत साक्षात्कार हो गया या फिर कोई सच्चे गुरु मिल गए हैं आपको। ये दो बातों में से कोई एक चीज हो गई है कि आप जयी बन गए, पराभव नहीं होता है, अजेय पुरुष है, विद्या संपन्न है, गुणी है, प्रकृति पर विजय प्राप्त हो गई, मन बलिष्ठ पदार्थ आपके आसपास रहते हैं और फिर भी आप झुके झुके से हैं, विनम्र हैं, शांत हैं, असहज नहीं होते, तो सीधा अर्थ है इसका कि या तो आपको भगवत साक्षात्कार हो गया या अच्छे संतों की सोहबत मिल गई है। अरे वो टहनियां देखो तो सही, झुकने लगती हैं फल पाकर। उन टहनियों को देखो, उन शाखाओं को देखो जो नीचे कितनी झुक जाती हैं और फिर वो उतनी ऊपर उठ जाती हैं। अब चूंकि फल नहीं रहे, फूल नहीं रहे, तो अभिमान आ गया। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे लिए नहीं बने हैं, जिनमें दुर्गंध है, हे हैं, निंदनीय पदार्थ हैं, उनका सेवन न करें। तो दैत्यों ने मदिरा का सेवन किया, हां राहु नहीं कर सका, राहु को चंद्रमा और सूर्य की संगति मिल गई, संतों की जिसे संगति मिल गई, से सत्पुरुषों का सानिध्य मिल गया, उसमें विषय और व्यसन या कोई विकृति या वैभव को छीनने की बलात् प्रवृत्ति भी नहीं रही। उन दैत्यों में से एक दैत्य राहु, जिसे उस राहु को संत संगति मिल गई, दैत्यों में से राहु को ईश्वरीय संगति मिल गई। तो जब संगति मिल जाए आपको अच्छी, तो संगति एक प्रभाव तो पैदा करती है। और गीता ऐसा कहती है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नित्य अभ्यास होना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा। क्या चाहिए? निर्माण मोहा जित संग दोषा। निरंतर अपने विकारों के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। जित संग दोष और जो संग दोष है उसके प्रति भी चौकन्ना पर। इसे सब प्लोमा वृषपलवा नमोची बले सभी दैत्य जब मदिरा पान कर रहे थे तो एक दैत्य ने मद्य का निषेध किया, इसलिए उसकी चेतना स्वस्थ रही, स्वतंत्र चेतना रही, ठीक निर्णय कर सका, सजग रहा, वो सावधान रहा, प्राण और मन का शरीर का संतुलन बना रहा। मदिरा मन प्राण और शरीर के संतुलन को बिगाड़ती है, हमारी चेतना पर प्रहार करती है। जितने भी व्यसन है वो हमारी चेतना पर प्रहार करते हैं, आप में संकल्प का अभाव रहता, निर्णय नहीं कर पाते, चयन कर नहीं सकते आप ठीक ढंग से, चुनाव की और चयन की आप सामर्थ्य खो बैठते हैं, संबंधों में अपवित्रता आती है, तात्कालिक लाभ पूर्ति की प्रवृत्ति पैदा होती है, तात्कालिक लाभ इंस्टेंट अभी अभी मिले, बिना श्रम और साधना के, बिना योग्यता और पात्रता के, बिना किसी क्रम के और बिना किसी व्यवस्था के अभी मिल जाए। आप न पात्र हैं, न योग्य हैं, न अधिकारी हैं, न साधन व्रति हैं और न उसके लिए आपका कोई क्रम है, पर छीनने की प्रवृत्ति पैदा होती है। एक ऐसा दुर्बल अंतःकरण दैत्यों का होता है ये कि ऐसे नहीं मिल रहा तो छीन लो, हम छीन भी तो सकते हैं। तो जो दस्यु भाव है, चौर भाव है, हठात छीनने की जो एक दुष्प्रवृत्ति है, वो कभी कभी कुछ ऐसे व्यसनों से भी बनती है, इसलिए एक अंतःकरण दूषित इसलिए होता है। रावण कहता है कि मैं अब तामस्तन है मेरा ये, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, भजन नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं जानता हूं कि इतना मद्यपान करके, इतना भक्ष अभक्ष भोजन ग्रहण कर, ऐसी दुरावस्था में अंतःकरण दूषित हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर सकता। इस तामस्तन से, इस भ्रष्ट मन से, इस कुंठित बुद्धि से, इस अस्वस्थ चेतना से दूषित मेरा जो सारा अंतःकरण है उसमें भगवत भजन नहीं कर सकता, मेरी दुर्गति
मदिरा ने की है। रावण ऐसा कहता है कि मेरे समूचे पांडित्य चरित्र को, शील को, मेरी एकाग्रता को, मेरे भीतर के वैदुष्य को जिसने कुतर कुतर कर और खंडित कर दिया, वो ये व्यसन है, ये सारे के सारे मुझमें ऐसे काम, अधम काम पैदा हुआ मुझमें इस तरह से अनियंत्रण, और मैं कितना भ्रष्ट हो गया। इसे सूर्य और चंद्र की संगति पाकर राहु स्वस्थ हुआ, राहु मदिरा नहीं पी सका। मद्यपान की अन्य दैत्यों ने, पुलोमा, वृषपर्वा, नमुची, बलि और उसके सभी साथियों ने, इसे रूपा सक्त हो गए, कामा सक्त हो गए, इंद्रियों को संभाल नहीं पाए। अमृत घट लेकर जब मोहिनी आई, झीने वस्त्र पहनकर, अंगों में पुष्टता, सौंदर्य, अंगों में आकर्षण, तो अंग के आकर्षण में उलझ गए दैत्य। कुछ आकर्षण भी वैसा ही था जिसमें नवाकर्षण, नित्य आकर्षण, आकर्षण ऐसा अंतहीन, तो वो चकित से हुए कि ये ऐसी सुंदरी है जिसका आकर्षण मंद नहीं हो रहा है, इस रूप में सौंदर्य क्षीण नहीं हो रहा है। रूप तो उसे कहेंगे जो छिज जाए, ह्रास हो, रूप एक जैसा तो कभी नहीं रहता, रूप में ह्रास छुपा हुआ है। बड़ी सामान्य भाषा बोलते हैं कभी कभी भारत के लोग, और उसमें आनंद है, उसमें बड़ा दर्शन छुपा है, बड़ी फिलॉसफी छुपी है। कहते हैं चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है। अरे रूप भी कभी एक जैसा रहा, कभी नहीं रहा। हठी उन बूंदों को देखो, ओस की बूंदों को जो बहुत सुंदर दिखती है, ओस कणों को देखो तो सही, जैसे मोती जड़ दिए हों, रत्न छुपे हों, पल्लवों पर बिखरी हैं, पसरी हैं, दुर्वांकुरों पर नाच रही हैं, एक उनका अपना सौंदर्य, और वो सत्ता कितनी सीमित, वो सत्ता कितनी क्षण भंगुर, कि जैसे ही भास्कर की ऊष्मा आती है, किरणें आए अमर सुहाग सजाने सूरज की, तो फिर बूंदे कहां रह पाती हैं। तो कुछ पल भर का उनका सौंदर्य श्रृंगार, कुछ पल भर की उनकी सत्ता, सीमित साहू का जीवन, वो उसकी बूंदे कहां रहती हैं। वैसे ही कोई छोटा कोई सौंदर्य है तो वो इतना सा ही है, पल भर का, क्षण भंगुर। अहो रूप महो धामम अस्या नवव्ययम, नवव्ययम वह कहते उम्र को। वृषप्रभा, नमुची, प्लोमा आदि ने कहा कि ये जो सुंदरी दिखाई दे रही है नवव्ययम, ये नित्य नूतन लगती है। इसमें से एक बात दिख रही है कि इसका सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा, मंद नहीं होगा। और वेदांत में हमको ये पढ़ाया गया, सबसे पहले यही पढ़ाया गया, भगवान नित्य नूतन है। जब हमने वेदांत पढ़ा तो भगवान नित्य नूतन है, नित्य है, नूतन है, नित्य सुंदर है, नित्य नूतन, उनमें मधुरता है, पवित्रता है, प्रियता है, सुचिता है, उस आकर्षण में आह्लाद है, आनंद है, अपनापन है, आत्मीयता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वो अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, वसनम मधुरम, गोपा मधुरम, वेणु मधुरम, हर चीज उनकी मीठी है, क्योंकि उसमें वो कोई एक एक चीज तो है नित्यता की। ये ध्यान रखना, भगवान नित्य है, अखंड है, शाश्वत है। भगवत्ता का अर्थ ही है जो नित्य सत्ता है, नित्य रूप सत्ता, रस सत्ता। तो मां स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं भगवान है जो मोहिनी बनकर खड़े हैं। तो भगवान का जो रूप आकर्षण है, भगवान में जो एक आनंद है, माधुर्य है, उससे वो आकर्षित हो गए। और सबने विचार किया, एकमात्र ऐसी स्त्री हमने देखी जिसका रूप कभी नहीं खोने वाला है, इसका रूप कभी नहीं जाएगा। आकर्षण, सौंदर्य, न केवल सौंदर्य, माधुर्य, आनंद। अच्छा, इससे एक बात और हो रही है, ये अपनी सी लग रही है, चिर परिचित से लग रही है। ये तो बातें भगवान की, भगवान चिर परिचित से लगते हैं, अपने से लगते हैं, वही तो अपने हैं। लाख लाख मनाने की, रिझाने की, अनुकूल करने की आप चेष्टाएं करें, जगत की, जगत के लिए लाख चेष्टाएं करें कि जगत अनुकूल हो, मनाएं, रिझाएं, पूरा यौवन दे दें, एक नहीं अनेक जीवन दे दें,
फिर भी जो आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता उसका तो नाम है जगत, और जिसे जन्मों तक भुलाते रहे शताब्दी युगों युगों तक, फिर भी आपका अपना है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम ईश्वर है। जिसे कितना ही विस्मृत कर लें फिर भी वो आपके आसपास है, वो तेरा साई तेरे साथ है। तो जो निरंतर हमारे साथ है, कितना ही विस्मरण करें तब भी वो हमारे आसपास है और हमारी सत्ता है, लेकिन जिसे हम निरंतर अनुकूल करने का प्रयास करें और कभी अनुकूल न हो, वही जगत है। तो सारे निशाचरों को भगवान को देखकर अपनापन का बोध हुआ, अपनी सी लगती है ये। इसमें न केवल सौंदर्य माधुर्य है, शुचिता है, पवित्रता है, एक और बात है, इसमें अपनत्व है, ये अपनी सी लगते हैं। तो सब उस पर रीझ गए, सब उसे अपना बनाना चाहते हैं। पुष्यली स्त्री जिसका रूप बढ़ता है नित्य नूतन है, नई है, अधीन हो गए सब। लेकिन उधर देव देवताओं ने भगवान के चरण देखे। कभी कभी गुरु काम में आता है, गुरु बहुत काम में आता है, क्योंकि देवताओं का भी मन वहां चला गया। वो इतने इतने गोपनीय ढंग से आए, अजान ढंग से, कि कोई जान ना सके। वो इतने बड़े भेद के साथ आए कि ब्रह्मा भी उन्हें पहचान नहीं सके। वो इतना बड़ा भेद था उनका कि शिव भी उन्हें पहचान नहीं सके। कुछ पल भर के लिए शिव भी एक पल के लिए आकर्षित हुए। वो इसलिए कि बड़ा मान हो रहा है, महादेव महादेव महादेव, पूरी सृष्टि में देवादिदेव महादेव की इतनी प्रतिष्ठा, महादेव 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 इति यो जपेत भवेत। एक बार कोई ऐसा जप ले, एक बार कोई वदेत ऐसा कह दे, एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। भगवान शिव ने अपनी दुर्बलता बताई है। देवता कभी कभी अपनी दुर्बलताएं बताते हैं। संत महात्माओं की भी तो कोई कमजोरियां होती होंगी, ऋषियों की भी तो कुछ दुर्बलताएं होती होंगी। देखो कैसे दुर्बलताएं नारद की। नारद को कहा कि आप सजग रहना और अनिरुद्ध का अपहरण होने पाए, और वो चित्रलेखा भगवान के गीत सुनाकर नारद को नींद देकर अनिरुद्ध का अपहरण करके चले गई। कुछ कुछ दुर्बलताएं होती हैं कुछ बड़े लोगों की। हनुमान जी की एक दुर्बलता, राम 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 कहते हुए जा रहे हैं, लंकड़ी ने पहचान लिया कि जो राम 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 सीधे राम 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 बोलते हुए लंका में जा रहा है, अपरिचित है, अजाने परकीय पुरुष है, बिना पार पत्र के प्रवेश कर रहा है। इनकी दुर्बलताएं हैं कुछ लोगों की। जैसे संतों की जिह्वा पर निरंतर नाम रहेगा, विस्मृत नहीं हो सकता नाम, वो ध्यान में से उनकी चेतना में से ईश्वर का विस्मरण नहीं हो सकता। वैसे ही बड़ी सुंदर सी एक बात, भगवान की भी एक दुर्बलता, शिव की भगवान की एक दुर्बलता ये, एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। महादेव 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 इति यो वदेत। कोई मुझे एक बार महादेव कह दे तो एक बार में तो मैं मुक्ति दे देता हूं और दूसरी बार में मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, मैं उसका ऋणी बन जाता हूं। ये भगवान की दुर्बलता कि कोई बिलपत्र हाथ में लेकर प्रदोष काल में स्वस्थ अंतःकरण से चित्त को स्वस्थ करके कोई मेरा स्मरण करे, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। इतना नाम जब होने लगा भगवान महादेव का तो उन्हें भी लगा कि बहुत बहुत यशमान प्रतिष्ठा हो गई, इसलिए ईश्वर के सामने नारायण को बड़ा करना चाहिए। इसलिए उनमें भी कुछ धातु स्खलन। ब्रह्मा तो चकित से रह गए, इंद्र आदि मोहित हो गए, देवगण उन पर आसक्त हो गए, लेकिन गुरु शांत रहे। गुरु माने बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, उसका भेद जानने लगे। देव गुरु बृहस्पति को लगा कि इतनी सुंदरी कौन हो सकती, क्योंकि सौंदर्य का स्वामी केवल ईश्वर है और सुंदर एक ही वस्तु हो सकती है, दूसरी कोई वस्तु सुंदर नहीं होती। और ये मैं आपको भी पता बता रहा हूं, ये तो याद रखना होगा कि सुंदरता किसे कहते हैं। सुंदर एक ही वस्तु हो सकती है, दूसरी नहीं। सुंदर वस्तु उसे कहते हैं जो पूर्ण वस्तु होती है, जो अधूरी है वो सुंदर नहीं हो सकती।
और भगवान पूर्ण हैं, भगवान ही पूर्ण हैं, भगवान ही समर्थ हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण वस्तु सुंदर होती है तो देवगुरु बृहस्पति को लगा कि ये कहीं पूर्ण ब्रह्म तो नहीं, परमात्मा तो नहीं। इसे देवगुरु बृहस्पति ने उनके चरणों में देखा और ये एक शिष्टाचार है, कुलाचार है, ये एक लोकाचार है कि जब कभी स्त्री सामने हो तो सीधा मुखमंडल न देखे अनायास। ये बात कही गई साधकों के लिए कि एक बार उन्हें देखकर बार बार उनके नेत्रों में न झांके, उनके बार बार न देखें, उनको बार बार न देखें। ये बड़ी बात कही स्त्री के लिए भी, ये बात कही पुरुष के लिए, तरुण के लिए, तरुणियों के लिए, किशोर के लिए, किशोरियों के लिए, युवक के लिए, युवतियों के लिए। बार बार उनके नेत्रों में नहीं झांकना चाहिए, कहां देखें, चरणों में। देवगुरु बृहस्पति ने जब भगवान के चरण देखे मोहिनी के, तो गंगा का गीलापन दिखाई दिया वहां। भगवान ने कहा एक चीज मैं कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही मैं मोहिनी बनूं लेकिन मैं गंगा को कभी नहीं त्याग सकता। तो भगवान के चरणों में गंगा का जब गीलापन देखा तो देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये मोहिनी नहीं, मोहन है, ये तो मोहन है। ये मोहन किसे कहते हैं? मोहनता, मोह माने मैं, जो मैं का हनन कर ले, जो अहंकार का नाश कर ले, वही मोहन या मोहिनी हो सकता है। ये सुंदरता के ये एक प्रकार के रहस्य बताए जा रहे हैं, जिन्हें ये बहुत चिंता सताती हो कि हम सुंदर कैसे बने। तो सुंदर बनने की चिंता में जो जीते हैं उनके लिए सूत्र है ये, कि जो अपने अहंकार को शिथिल कर लेते हैं, दुर्वासनाएं दुर्बलताएं जिनकी खो गई, जो जितने जितेंद्रिय हैं वो उतने ही पवित्र और सुंदर दिखते हैं। मोहन, जिसने मैं का हनन कर लिया हो, मोहनता, जिसने मैं का नाश कर लिया है, मोहन। इसलिए अपने सभी शिष्यों को और देवताओं को प्रेरित किया कि ये भगवान है, इनके चरण देखो बस, और कुछ नहीं, और दैत्यों को इनका रूपपान करने दो। इसे दैत्य तो रूपपान करने लगे और वो सब भगवान के चरणों को देख रहे थे। वो बांटने पर उतर आई, वितरण पर उतर आई, वो कहने लगी आओ मैं न्याय कर देती हूं, मैं न्याय कर देती हूं। अब यहां भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान न्याय करने कभी बैठे तो साधक के हित में खड़े होंगे, वो भक्त के हित में खड़े होंगे, देव हित में खड़े होंगे, लोक हित में खड़े होंगे, परमार्थ के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक है। इसलिए भर भर के पिलाने लगे। ये उधर जरा ये उत्तर की भाषा बोल रहा हूं मैं, पंजाब की भाषा, भर भर के पिलाने लगे, भर भर के देने लगे, खूब खूब देने लगे, इतना देने लगे बिना तोल मोल के, बिना क्रम के, इतना दे रहे हैं भर भर के। इस करते और पियो और ले लो, थोड़ा ले लो। तो राहु को लगा कि एक तो इसमें इसकी दृष्टि में भेद है, इसकी भावनाओं में भेद है, इसके आचरण में भेद है। ये जब दैत्यों को देखती है तो इसमें नारी भाव पैदा होता है, कामिनी बन जाती है, सुंदरी बन जाती है, स्त्री भाव है इसमें। और जब ये देवताओं को देखती है तो इसमें मातृत्व आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है, इसमें दुलार की भावना आ जाती है। इस स्त्री के नेत्रों में भेद है। ये जब दैत्यों की ओर देखती है तो ये चपला नारी बनती है, सुंदरी बन रही है, कामिनी बन रही है। और देवताओं को जब देखती है तो इसमें वात्सल्य आ जाता है। ये बहनों के अंदर देखी गई है बात कि भगनी है वो, कभी भारिया है, कभी वो तनया है, कभी वो माता है। देखो तो सही, इनके कितने कितने रूप बदलते रहते हैं। छोटे से बालक के कपोल छू रही हैं, नन्हे से कपोल, तब इनमें वात्सल्य उभरता है, भ्रात खड़ा है। तो देखिए एक दुलार की भावना, कभी स्नेहन, कभी प्रणयन इनके भीतर, कभी वात्सल्य, कभी पूरा समर्पण। इसे एक अलग 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 प्रकृति होती है, कभी एक स्त्री के नेत्रों से वो अलग प्रकृति। तो राहु को बड़ा भय लगा, राहु को अत्यंत एक उत्सुकता जगी कि ये स्त्री जब दैत्यों को देखती है तो इसके नेत्र चपल हो जाते हैं, ये नारी बन जाती है, कामिनी बन जाती है, रूप का आकर्षण इसमें और अधिक हो जाता है। और जब ये देवताओं को देखती है तो इसके अंदर मातृत्व, वात्सल्य, प्रीति, समर्पण की भावना
और एक बात तो है, अधिक देने की भावना पैदा हो रही, भर भर के पिला रही है, भर भर के पिला रही, तोल मोल नहीं कोई। माँ ऐसा ही तो करती है, जब देने पर आ जाए कोई तोल मोल नहीं, और जब तक मेरा मेरा क्रम आएगा तो फिर बचेगा ही नहीं, क्योंकि घट रीता होता जा रहा है, अब घट में कुछ बचा भी नहीं है, इसलिए चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया वो। ये कहानी ऐसी है जो मेरे और आपके मन की कहानी है, कि कभी ऐसा लगे कोई अनुकूलताएं नहीं रही, चैन नहीं कर पा रहे हैं, दुविधा है, द्वंद है, साधना में गतिरोध है, तब चुपके से संतों के पास जाकर बैठ जाना, वहां से समझ आएगी, वहां से प्रेरणा मिलेगी आपको। जब कुछ चीज समझ ना आ रही हो, दुविधा हो, कोई बड़ी दुविधा हो, तो फिर संतों के पास जाकर बैठना। सूर्य चंद्र की संगति ने राहु को इतना बोध करा दिया कि तो मदिरा पान नहीं करनी और मैं भी पी लेता हूं, तो राहु भी अमृत का अधिकारी बना। लेकिन जब ये भेद पता लगा कि ये भी अमृत पी गया है कंठ से और नाभि तक और नाभि से भी पूरे रोम रोम में अमृत रम गया है, फिर भले ही सुदर्शन चक्र चला हो, राहु से केतु बना हो, लेकिन राहु अमृत पीकर पुष्ट हो गया, इतना सा ही उनका काम था कि धरती अंबर अग्नि जलवायु का संतुलन दैत्यों के हाथ में न चला जाए, दैत्यों के हाथ स्वर्ग का नियंत्रण न रहे, ये देवताओं के पास जाए। भगवान ने देव हित के लिए, लोक हित के लिए, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए एक हल्का सा भेद ये किया कि ये सत्ता उनके हाथ में चली जाए। फिर झगड़ा होने लगा, अमृत पी गए वो, फिर तो वो पुष्ट हो गए थे, देव बलिष्ठ हो गए, दैत्य दुर्बल हो गए, वह भारी झगड़ा, देव सत्ता विजयी बनी, दैत्य पराभव को प्राप्त हुए, पराभूत हो गए, हार गए। अब हम हार गए, फिर से कैसे जीतें? हम पराभूत हुए, हम फिर से कैसे विजयी बने, फिर से कैसे स्वर्ग मिले, फिर से कैसे वो अधिकार मिले? शुक्राचार्य ने उन्हें यज्ञ की विधा बताई, यज्ञ करिए, यज्ञ से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ वै विष्णु। यज्ञ क्या है? विष्णु। यज्ञ माने भगवान। आप यज्ञ करें, यज्ञ करोगे तो न केवल स्वर्ग मिलेगा, भगवान। यज्ञ करोगे न केवल स्वर्ग मिलेगा, भगवान, भगवान भी मिल जाएंगे। यज्ञ स्वयं भगवान है। तो यज्ञ से केवल पर्यावरण पवित्र नहीं होता, केवल पर्यावरण में संतुलन नहीं होता, यज्ञ से केवल धरती अंबर अग्नि जल वायु में ही एक प्रकार से संतुलन और स्वास्थ्य नहीं आता, बल्कि पराशक्ता की भी प्राप्ति होती है। यज्ञ तीन चीजों से मिलकर बना है। यज्ञ यज धातु से बना है। यज धातु का अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगते कर्म। यज धातु से यज्ञ बना है। इसलिए यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ कीजिए, दान देना। ये दान क्या है भाई? दूसरों का हित करना। प्रदान और दक्षिणा में अंतर है। दान को ठीक तरीके से डोनेशन के साथ नहीं समझाया जा सकता। पूरा डोनेशन शब्द कुछ और है, चैरिटी कुछ और है, दान कुछ और है, दक्षिणा कुछ और है, दान प्रतिदान कुछ और है, प्रतिसाद कुछ और है, मानधन कुछ और है, मजूरी कुछ और है, अलग 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 चीज है। भगवान दान के दायरे में नहीं आते, माता पिता दान के दायरे में नहीं आते कि चलो थोड़ा माता पिता को भी डोनेशन दे देते हैं, थोड़ा सा इनको भी थोड़ा दान दे देते हैं। माता पिता ये दान के दायरे में नहीं आते। दान के दायरे में वो आ रहा है जो देव और पितरों के हित के लिए हमारे यहां कर्म पूर्ति कर रहा है, वो पंडित, वो पुरोहित, वो आचार्य, वो विद्वान, वो ऋतविज, वो होता, वो ब्रह्मचारी, वो साधक, जो देव और पितरों के हित के लिए, लोक हित के लिए, मेरे सकल सुख के लिए जो सात्विक साधन
सुरक्षित कर रहा है, उन्हें भी कभी दान दिया जाता है दक्षिणा। दान के कुछ अधिकारी हैं, अलग 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 अधिकारी, दक्षिणा, भेंट, न्यौछावर। हाँ, भगवान भेंट के अधिकारी हो सकते हैं कि कुछ भेंट उन्हें अर्पण करते हैं, वो न्यौछावर के अधिकारी हैं जो न्यौछावर कुछ करते हैं, पर भगवान दक्षिणा के दायरे में नहीं आते, दान के दायरे में नहीं आते। कि चलो थोड़ा भगवान को भी दक्षिणा दे देते हैं, भगवान को भी थोड़ा दान दे देते हैं। ये अलग 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 चीजें हैं। दान एक अर्थ इसका सीधा यूं समझो, जो दूसरों की हित की पूर्ति के लिए है दान। ये ब्राह्मण दूसरों की हित की पूर्ति के लिए करते हैं, इसलिए दक्षिणा। दक्षिणा यथा सामर्थ्य, ये गायत्री का जप करते हैं। एक वो अलग प्रकार की एक प्रक्रिया, अलग पद्धति है, वो एक अलग विधा है। ये कुछ अलग प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं, ये पूरे वातावरण को पवित्र करते हैं। ये पूरे वातावरण में एक प्रकार का स्वास्थ्य, एक पूरे वातावरण में संगति, संतुलन, पूरे वातावरण में अनुकूलताएं, धरती से लेकर गगन तक। तो जिनको समूची धरती से गगन और अंतरिक्ष तक और अज्ञात ऊर्जा जहां से आ रही है उस देव सत्ता तक के अनुकूलताओं के बोध और विद्या का प्रबोध है, उन्हें दक्षिणा और दान, ये उसके दायरे में आते हैं, दूसरों की हित पूर्ति। इसलिए गुरु ने कहा दान देना, देव पूजा करना। देव पूजा करते करते चरित्र की और पूजा करते करते चित्त स्पष्ट हो गया। हम चित्र के उपासक कहां हैं? कौन कहता है हम चित्र की उपासना करते हैं? हम तो चरित्र के उपासक हैं। कौन कहता है कि हम केवल मूर्ति की उपासना करते हैं? हम तो महानता के उपासक हैं, श्रेष्ठता के उपासक हैं। कौन कहता है हम प्रतिमा की पूजा करते हैं? प्रतिमा के भीतर जो परा है, परमता है, श्रेष्ठता है, पूज्यता है, उसके उपासक है। इसलिए यज्ञ होने लगा। कहते हैं 100 यज्ञ हो जाने के बाद उसे मिल जाना था स्वर्ग का सुख। 99 यज्ञ जब पूरे हो गए तो देव निस्तेज हो गए, सारहीन हो गए, बलहीन हो गए। आप जानते हो आप बलहीन कब हो जाते हैं? जब ज्ञान चला जाए, समाधान चला जाए, विचार खो जाए, पवित्रता चले जाए, आपका स्वयं का आपका विश्वास खो जाए, आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। उस समय आप में आत्मबल न हो, मनोबल न हो, विचार बल न हो, ज्ञान बल न हो, चरित्र बल न हो, संयम का बल न हो, तो कितने दुर्बल आप हो जाते हैं। उनमें वो बल बढ़ने लगा, देव बल घटने लगा। और तब भयभीत हुए देव, अपनी माता से प्रार्थना की, देव माता अदिति ने आराधना की और फिर तत्काल उन्हें प्रकट करने की योग युक्तियां, वैसे साधन मंत्र जप, उस प्रकार के उपवास किए जाने लगे। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयो व्रत अर्चये अरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयो व्रत, माता अदिति ने पयो व्रत किया परमात्मा को प्रसूत करने के लिए। प्रतीक्षा करने लगी, मैं कब प्रसूतिका गृह में जाऊं, मैं कब आनंद प्रसूत करूं, कब मैं विराट को प्रसूत कर दूं, कब उसे पैदा कर दूं। कुछ कुछ नारियों में ये गुण होते हैं, कुछ पुरुषों में ये गुण होते हैं, हर किसी में नहीं। वो जींस वैसी चाहिए, उस तरीके का अंतःकरण, उस तरीके का योग्य गर्भ चाहिए। और वो देव माता अदिति के पास था, उसे देव प्रकट होते थे, इसलिए पयोव्रत किया उसने। और पयोव्रत से विराट विष्णु की सत्ता को झकझोर दिया, भगवान वामन बनकर प्रकट हुए। नमोस्तु नन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे। नमोस्तु नन्ताय, अनंत पैदा हो गया। नमोस्तु नन्ताय, जो अनंत है, अच्युत है, विराट है, एक विराटता, अनंतता, अच्युतता, अव्यता, एक ऐसी अपरिमितता, अकूतता, अजेयता, अपराजितता, विराट विष्णु में वामन बनकर पैदा हुए। माता ने, देव माता ने लंगूटी प्रदान की। लोक लज्जा निवारण पहले मां करती है। कश्यप ने मेखला दी,
देवगुरु बृहस्पति ने उपनयन संस्कार कर दिया। रुद्राक्ष की माला गले में पहना दी भगवान शिव ने। ब्रह्मा ने अपना कमंडल दे दिया। अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। गौलोक से छत्र आ गया। पादुका स्वयं अपनी ही पहनी भगवान ने। तो कहते हैं चिन्मय धाम गौलोक धाम से उनके स्वयं के धाम से पादुकाएं आई भगवान की। पादुकाएं अपनी पहनकर छत्र उनका स्वयं का गौलोक से आया। गौलोक से छत्र का आगमन और पादुकाओं का आगमन हुआ। छत्र और पादुकाएं मेखला कश्यप ने दी। उपनयन संस्कार देवगुरु बृहस्पति ने किया और ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया। अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। शिव ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर भिक्षा के भेद बता दिए। भिक्षा कैसे मांगी जाती है, भिक्षा कैसे मांगी जाती है, ये बड़ी कठिनाई है। दाता को दीन कैसे बनाए, जो दाता है वो दीन कैसे बने, जो स्वामी है वो सेवक कैसे बने, जो इष्ट है वो उपासक कैसे बने, जो ब्रह्म है वो जीव कैसे बने, जो भगवान है भक्त कैसे बने, जो सबको देने वाला है, जो सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है, जो याचकों की कामनाओं की पूर्ति करता है, वो याचक कैसे बने जो अयाचित है, आप तक काम है। ये बड़ी बात थी, बड़ी कठिनाई थी। कठिनाई ये हो रही थी कि स्वभाव में मांगना नहीं है, मांगे कैसे। इसलिए कई बड़े लोग कहते हैं भाई हमसे चंदा ले लीजिए, वो मांगने का जरा हमारे बस का नहीं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ये जरा कठिनाई से हो जाएगी, जो कुछ है हमारे नाम का लिख दो इसमें, आपके साथ नहीं चल सकते, वो कठिनाई हो जाएगी जरा। स्वभाव तो हम नहीं मांग सकते। अब कल्पना करके देखो, दाता को दीन बना रहा है, दाता में दैन्यता है, स्वामी में सेवक भाव पैदा हो, जो अयाचित है आप्त काम है पूर्ण काम निष्काम है उसमें याचना के भाव पैदा किए जाए, उसे भिक्षुक बनाना चाहते हैं, स्वामी को सेवक बनाना चाहते हैं, जो समर्थ है उसे याचक बनाकर भेजा जा रहा है। भगवान ने कहा था कि द्वार पर जाओ जब बलि के तो उसके पुण्यों की प्रशंसा करना, उसके द्वार पर जाकर यजमान का आदर करना, अधिक आदर करने से पुण्यों की प्रशंसा करना, यज्ञ की प्रशंसा करना, और उसके बाद उसके अंतःकरण को अनुकूल कर लेना और तीन पग भूमि में सब कुछ समेट लेना। ये कला आपको ही आती है, ये हमारे बस का नहीं। जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, वो कैसे छोटा बन सकता है। बड़प्पन बिसार दिया, वैभव बिसर गया, अनंतता कैसी उसका गोपन हो गया, अनंतता का गोपन हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्या बड़े हों और छोटे से हो जाए। ये कुछ पंक्तियां मध्य प्रदेश के किसी कवि ने लिखी हैं, जो मेरा गुनगुनाने का मन हो रहा है। ये जो कुछ पंक्तियां हैं मध्य प्रदेश में लिखी गई हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे झोली, तेरी घर खड़ा भगवान भगत हर दे, हे भगत हर दे तेरा हो बड़ा के युग जुग तेरी रहे सा भर दे, हे भगति भर दे फूल उठी सारी धरती देख रे फूला गगन है सारी धरती देख डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे दल जगत कपाल हारा रे।
जगति का पालनहार। छोड़ सकली अभिमान अमरी करी ले रे तू अपना दास। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। से अपना मालिक के नामी लुटारे सर्व से अपना मालिक के नाम। मिट जाएगा फल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। से जरा पहचान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा कि जुग जुगती रहे सा, भगत भर दे रे झोले। सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिरथम भिक्षांगे च पार्वती, भिक्षांगे च पार्वती। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्वरम्। द्वार पर परमात्मा का आगमन, उनकी प्रभा, उनकी दीप्ति कांति ओज द्युति, उनकी अपूर्व आभा तेज और उनके अंतर में एक निश्चलता देखकर चकित हुआ बलि। बलि ने कहा इतना तेज, ऐसी द्युति कांति आभा, ऐसी प्रभा, ऐसी विराटता, ऐसी पूज्यता, ऐसा वैदुष्य विद्या जो आप में आभासित होती है कभी देखी नहीं, इसलिए हे देव मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इससे पूर्व में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं मैंने, आप अत्यंत अलौकिक हैं। एक बात तो तय हुई कि साधन ने सिद्धि तो दी, साधन ने साध्य की प्राप्ति तो कराई। अगर आप साधन करते रहे तो सिद्धि आएगी, साध्य की प्राप्ति होगी। यज्ञ ने अर्थ तो उजागर कर दिए, यज्ञ फलीभूत तो हुआ, यज्ञ का ठीक फलादेश हाथ आया। पूर्णाहुति से पहले ही, पूर्णाहुति काल से पहले भगवान द्वार पर है, यज्ञ वह विष्णु, तो यज्ञ का फल नारायण के रूप में बलि को प्राप्त हुआ। फिर एक इसका अर्थ यह भी हो सकता है, साधन भजन अर्चन करते रहना, साधन मनन भजन अर्चन पूजन स्तवन वंदन करते रहना, जब एक दिन पात्र बन जाओगे तो फिर साध्य की प्राप्ति होगी। जिस दिन पात्र बन जाओगे, जिस दिन अधिकारी बन जाओगे, जब तक अधिकारी न बने पात्र न बने करते रहना करते रहना। तो भगवान द्वार पर है, भगवान को देखकर अंतःकरण पवित्र हो गया। यजन काल है और ये पूर्ण काम है। बड़े प्रलोभन धन धान्य धाम धैनु धरा के दिए बलि ने, कुछ धन ले लो, धान्य ले लो, कुछ धान्य कर्ण, कुछ धन स्वर्ण मुद्राएं दंड कमंडलो, एक धैनु दे दो, थोड़ी धरा ले लीजिए, ये पूरा धाम आपका है,
भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तेरे पुण्यों की प्रशंसा करने आया, तेरे पिता विरोचन की महानता बताने आया हूं कि तेरे पिता विरोचन में कैसी महानता थी, उसके भी पिता प्रहलाद में। मैं तो ये बताने आया था कि स्वभाव से ही आप तपस्वी रहे हैं, उसके पिता हिरण्यकश्यप और उसके भी पिता महान कश्यप और कश्यप के भी पिता ब्रह्मा आदि कितने महान हुए हैं, एक एक करके उनके परंपरा से उनकी भेद खोलने लगा, वो बातें बताने लगे भगवान जो केवल पिता पुत्र में हुई थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल मां बेटी तक सीमित होती हैं, वो परिवार के किसी सदस्य को जीवन भर तक पता नहीं लगते। कुछ मां बेटी में ऐसी कोई एक चीज चुपचाप चलती है, बाप बेटे में वो नहीं बताना चाहते, हानि, दुर्बल माता पिता का चित्त आहत होगा। कई बार व्यक्ति नहीं चाहता परिवार को कष्ट देना, संकट देना, दुखित नहीं करना चाहता, चिंताएं नहीं देना चाहता, झेलता रहता है, प्रहार सहन करता रहता है, द्वंद उसे उनका आदि हो गया होता है, कभी नहीं बताता अपनी भारिया को, भगनी को, छोटे बच्चों को, माता को, ज्येष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को। हानि की बात नहीं बतानी चाहिए, वो भयभीत हो जाएंगे। हानि की बात नहीं बताते कुछ लोग, क्यों बताएं हानि की बात, लाभ की बात बताते हैं वृद्ध जनों को, माता पिता को। कई बार तो पूरा पूरा दुख पी जाता है, एक पति अपनी पत्नी को कभी नहीं बताता, ऐसी पत्नी है वो घर की सारी पीड़ाओं का पूरे विश्व को पी रही होती है, न जाने कितनी प्रतिकूलताएं सहन कर रही होती है, कभी नहीं बताती कि छोटी सी बात है, इसे तो पी जाना चाहिए, ये तो बहुत सामान्य बात है, एक छोटा सा इश्यू है और ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये कोई बताने की बात है। लेकिन वो छोटी छोटी बातें बताने लगे भगवान, विरोचन और बलि के संवाद, प्रहलाद और विरोचन के संवाद, उनकी कुल परंपरा की कुछ नीतियां बताने लगे। जब तो चकित हुआ वो और कहने लगा कि हे बटुक, तुझे मेरे पिता के पिता के पिता का पता है, क्या तुझे हमारे परदादा के भी पिता का पता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि कश्यप के पिता ब्रह्मा जी थे, क्या ब्रह्मा के भी पिता का तुझे पता है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, मैं तो तेरे पिता के पिता के पिता की सब बातें जानता हूं, और हाँ मैं परम पिता को भी जानता हूं, मैं उस परमेश्वर को भी पहचानता हूं, और तू कहे तो मैं उसका दर्शन भी करा सकता हूं। अरे महाराज फिर तो क्या है, मुझे बता दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा ये जो मेरे बगल में आसन है ना, इसे बिछाने के लिए अपनी भूमि चाहिए, किसी दूसरे की भूमि में आसन नहीं लगाता, पराई भूमि में ये आसन नहीं लगता। तो उसने कहा महाराज थोड़ी भूमि दान में दे देता हूं मैं, जितने में आसन बिछ जाए, नन्ने नन्ने पग आपके। तो जब भगवान ने कहा जब तू ऐसा कह ही रहा है तो तीन पग भूमि दे दे, तीन पग भूमि, जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे निमाण क्षेत्रे खंडवा नगर्याम दादा दरबार सन्निधौ भागवत परिसरे। ऐसे संकल्प कीजिए, अच्युत गोत्पन्ना अवधेशानंद नामने को हम, बोलिए कोई अच्छा सोच लीजिए, कोई संकल्प करिए, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करो, शुभ संकल्प करो। वेद ने एक बात बार बार टोकी, मनुष्य के लिए कहा नित्य नए सुंदर संकल्प करो, पर उनकी पूर्ति भी होनी चाहिए, यानी कि नई नई योजनाएं बनाए, और योजनाएं तो बनाए दोपहर तक हो गई, तो संकल्प वो हो जो अंत तक चले, ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो और उसकी पूर्ति में पूरा जीवन लगे, छोटे छोटे संकल्प करने चाहिए। तीन पग भूमि का संकल्प कर लिया, और एक पग में समूची धरा, दूसरे में गगन, और तीसरे के लिए तो स्थान नहीं बचा, वो विराटता पैदा हो गई। एक पग में समूची धरा हेर ली, वो फिर वामन उपेंद्र बन गए, फिर वो अनंत हो गया, वो व्यापक पुरुष,
वो सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ सर्वसत्ता जो है, सर्वव्यापक है जो, वो फिर विराट हो गया। एक पग में से मुझे धरा हेर ली, दूसरी में गगन स्वर्ग, तीसरे के लिए तो स्थान नहीं बचा, तीसरा पग कहां रखें। बलि भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया था, भगवान को पाकर ईश्वर मेरे सामने है, अंतःकरण निर्मल हो गया था। और बलि ने प्रार्थना की, बलि ने कहा जो मैंने दान दिया है, पुण्य किए हैं, सत्कर्म किया है, जो मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है, इसके बाद जो लोक ख्याति मुझे मिलेगी, इसके बाद जो कीर्ति मेरे पास आएगी, जो मुझे पुण्य मिलेंगे वो सब, और मुझे एक अभिमान भी हो रहा है कि देखो ईश्वर मेरे सामने भिखारी बन गया, परमात्मा मेरे आगे हाथ पसारे खड़ा है, एक गौरव भी तो मेरे हाथ लगाए कि दुनिया तुझसे मांगती है, कौन ऐसा है जो तुझसे नहीं मांगता, लेकिन आज तो तुझे भी मुझसे काम पड़ गया है, एक अभिमान तो मेरे पास से आ ही गया है। मैं दैत्य कुल का प्राणी, निशाचर कुल का प्राणी, मेरे पिता के पिता के पिता निशाचर हिरण्यकश्यप, हम तो निशाचर कुल के प्राणी हैं, निशाचरों में कुछ थोड़ा बहुत तो अभिमान रहता ही, हम दैत्य हैं, मैं दनुज दानव कुल का प्राणी, तो एक अभिमान मुझे एक सता रहा है कि वो ईश्वर जिसे सब मानते हैं, जिसके सामने सब याचक बन जाते हैं, जिसके आगे झोली पसारी जाती है, वो आज मेरे द्वार पर रेते हाथ आया, वो भिक्षुक बनकर आया, तो एक अभिमान मुझे ये सता रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, ये बड़प्पन मुझे सता रहा है। एक और बात, जो मैंने दान दिया वो पुण्य मेरे पास है, पूरी धरा पर अब जो कीर्ति फैल जाएगी मेरी कि मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, उस कीर्ति का सुख भी मेरे मस्तक में है, इसलिए वो कीर्ति जहां बैठी है वो मस्तक है, वो अभिमान मेरे मस्तक में। एक तीसरी बात बहुत बड़ी कही, जो संत कह सकते हैं, एक अच्छा साधक ये बात कह सकता है जो बलि ने कही। बलि ने कहा कि एक कर्तापन का अभिमान, सत्कर्म के बाद भी कर्तापन का भान ज्ञान अभिमान बना रहता है, हम सत्संग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अब देखिए हम सब जप करने लगे हैं, एक अभिमान, एक ही कर्तापन का ज्ञान, एक अभिमान जो मेरे मानस में बैठा है, इसलिए ईश्वर तू तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे, वो सब मैं तुझे सौंप देना चाहता हूं, अपने पुण्य कीर्ति यश प्रशंसा कर्तापन का भान ज्ञान अभिमान, और वो भी अधम अभिमान जो मुझे अभी तक भी सता रहा है कि ईश्वर मेरे सामने भिक्षुक बनकर आया, ये सब चीजें मेरे मस्तक में है, मेरे सब यहां सर के भीतर चिपक चिपक कर बैठी हैं, एक एक भित्ति में, मस्तिष्क की में, इसलिए एक और काम कर, तीसरे पग के लिए मैं अपने कर्तापन का भान ज्ञान अभिमान पुण्य राशि कीर्ति और अपनी प्रशंसा और मेरे लोक में जो मेरा यश हो गया है वो तुझे अर्पित करता हूं। बड़ा चतुर था बलि, भगवान के चरण माथे पर रखवा लिए, तो धन्य है वो बलि, भगवान ने जिसके मस्तक पर अपने चरण रख दिए हो, लेकिन भगवान ने जैसे ही चरण रखे मस्तक पर तो भगवान को यह कहना पड़ा कि अब तेरे स्मरण के बिना कोई यज्ञ याज्ञ शुभ कर्म पुण्य कर्म मंगल कर्म अधूरे से माने जाएंगे। यजमान को वर्णन करते समय आचार्य अथवा आचार्य का वर्णन करते समय यजमान ऐसा स्मरण करेंगे, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेरत्वा प्रदनामी रक्षे माचल माचल। ये पंडित जी आते हैं आपके घर में, पंडित आते हैं आपके घर में और गणेश पैदा करते हैं सुपारी में, सुपारी के ऊपर गणेश जी आ गए, स्थापयामि पूजयामि आवयामि स्थापयामि पूजयामि पाद्यम अर्घम आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा प्रणाम कीजिए ओम गणानां त्वा गणपति वंदवामहे। आप पूजा शुरू कर देते हैं,
आप एक बार भी नहीं कहते सुपारी को क्यों प्रणाम करवा रहे हो पंडित जी, नहीं देखो क्या कराते, आव्यामि स्थापयामि पूजयामि पाद्योपाद्यम हस्तर मुखे आचमिनम सर्वांगेषाम दंडम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम तमोचरा नैवेद्य दक्षिणाम प्रदक्षिणाम। और फिर पता है क्या कहते हैं पंडित जी, गच्छ गसुर श्रेष्ठ है पुनरागमनाय च पुरसा वर्ची लो करिया। यजमान अब गणेश जी चले गए, फिर से सुपारी रह गई, वो पहले सुपारी थी अब क्या रह गई, फिर से सुपारी, लेकिन वो सुपारी फिर गणेश सुपारी है। कभी पंडित जी कहते हैं इसे घर में रखना रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के लिए, और या ऐसा भी कर सकता है इसे प्रवाहित करा, आवना में नर्मदा में क्षिप्रा में दूर तक जा सकता हो तो गंगा में लीजिए। ये क्या आवयामी स्थापयामी पूजयामी भावना की बात है। लेकिन वही पंडित जी जब घर में आते हैं एक चीज एक कर्म करना नहीं भूलते, वो आपके हाथ पे धागा बांधते हैं, आपका वरण करते हैं, वो अपना वो आप उसका वरण करते हैं, एक दूसरे में अनुबंधित प्रतिबंधित हो रहे हैं, एक दूसरे में संकल्पित हो रहे हैं। वो कहता है तेरे कल्याण के लिए मैं शपथ खाता हूं, वो कहता है मैं आपके अनुष्ठान के लिए संयम संयत रहूंगा अनुशासित रहूंगा। ये बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेरा प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल, बलि का स्मरण किया जाता है, दानवेंद्रो महाबला बलि का स्मरण किया जाता है। अच्छे काम करोगे आपका स्मरण होगा, पूजा में बलि का स्मरण किया जाता है, सत्कर्म करोगे आपका स्मरण होगा, भगवान के साथ बलि का आज भी स्मरण होता है। जो दाता हैं उनकी ख्याति तो सर्वत्र रहती है, उधर की आग को शांत करने के लिए लकड़ियां होम हो गई हैं, जलकर राख हो गई हैं, तो राख है भाई, वो तो जो जो चूल्हे में ईंधन बनी लकड़ी, जो चूल्हे में ईंधन बनी लकड़ी वो तो राख हो गई, कूड़ेदान में फेंकी जाती है। लेकिन भैया जो समिधा बनी यज्ञ की समिधा, हवन कुंड में जो जली वो फिर विभूति भस्म बन जाती है, वो माथे की शोभा बन जाती है। ये आपका जीवन चूल्हे की लकड़ी की तरह से न जले, आपका जीवन समिधा की तरह से होम हो। तो जिसने अपने जीवन को समिधा की तरह से बनाया तो फिर वो विभूति बनती है, भस्म बनती है, मस्तक पर धारण करने के योग्य होती है। और भैया केवल लकड़ियां हैं तो वो तो कभी कभी चिता को भी फूंक रही होती हैं, चिता में भी जल रही होती हैं। लकड़ियां न रहें केवल, कास्ट जैसा जीवन न हो, महनीयता लाएं जीवन में, समिधा बने जीवन, और समिधा बनेगा तो जीवन यज्ञ हो जाएगा। जो यज्ञ में लकड़ियां जलती हैं उन्हें लकड़ियां नहीं कहते, पंडित जी कहते हैं जरा समिधा लाना, सप्त समिधा लाओ, समिधाएं लाइए, समिधा। लकड़ियां उनको नहीं कहा जाता, कितना सम्मान उनका। और फिर मस्तक पर वो विभूति भस्म, वो भगवान को लगती भस्म, इसलिए अपने जीवन को यज्ञ कार्यों में लगाइए। सुंदर से अगले प्रसंग में चलते हैं, एक एक सुंदर सी चौपाई के साथ एक बहुत ही मधुर प्रसंग में चलते हैं, और ये प्रसंग नौवें स्कंध का है। राम कथा सुन लो करतारी, राम सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, उड़ा निहारी संजयारी। राम कथा सुंदर करता संशय विहग उड़ाव निहारे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदरी
कभी सुदुम्न सरयाती नभग नाभाग अम्बरीश के वंश की कथा सुनाता हूँ। सूयता मानवो वंशः प्राचुर्येद परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सुखदेव मुनि ने कहा, हे परीक्षित, अब मैं जो कथाएं सुना रहा हूं वो कथाएं उत्तम कोटि के शूरवीर पुरुषों की कथाएं। वक्तुम वर्षे शते रपि, अगर मैं 100 साल तक वो कथाएं सुनाता रहूं तो पूरी नहीं होंगी। न शक्यते विस्तरतो, कुछ संक्षिप्त में कथाएं सुनाता हूं। न शक्यते विस्तरतो, अगर मैं विस्तार में गया, मैंने उसका भेद बताया, कथाओं की कथाएं प्रत्यंतर कथाएं, उनकी अंतर कथाएं प्रत्यंतर कथाएं, सारे आख्यान उपाख्यान संपूर्ण कथाओं का क्रम मैंने रखा। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षे शतैरपि, 100 साल तक भी वो कथाएं पूरी नहीं हो सकती। वो कवि सुदुम्न सरयाती नभगना भाग अम्बरीश मानधाता की कथाएं, दधीच की, जो अस्थिदान
देने वाले दधीच रहे हैं, दधीच जिन्होंने अस्थि दान किया, इनका स्मरण करके रोमांच होता है। रघु की जो 12-12 बरस के बाद अपना सर्वस्व दान करते रहे, शिवी धर्म के लिए अपने अंग काट दिए, मयूरध्वज अतिथि द्वार से भूखा न जाए पुत्र को आरे से चीर दिया, हरिश्चंद्र स्वयं को, भारिया को और पुत्र को बेच दिया, जिसने जो डॉम के यहां चाकरी करता है, डॉम के यहां जो चाकरी करता है, कोई दो बार मुझे अवसर मिला, शिवरात्रि की रात्र, शिवरात्र अर्धरात्र 2007, ऐसे लगभग 6 साल के बाद 2000 के शिवरात्रि और 2007 के शिवरात्रि काशी में, क्योंकि वो परंपरा ऐसी है कि काशी में कुंभ के बाद आचार्य काशी की शिवरात्रि करने जाता है, कुछ परंपराएं हैं, भगवान विश्वनाथ का पूजन वही आवरण भंग करता है, भगवान विश्वनाथ का आवरण भंग करता है आचार्य, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता कोई, साधु महात्माओं के साथ आचार्य जाता है, लाखों नागर सन्यासियों के साथ, और वे भगवान के आवरण को भंग करता है और प्रथम पूजन करता है काशी में, जो जूना का आचार्य होता है वो अपने लाखों सन्यासियों के साथ जाता है, मंडलेश्वरों के साथ जाता है, हमको वो अधिकार है कि हम जाएंगे और भगवान का आवरण भंग करते हैं, वो धीरे से मैं भगवान का कपड़ा उतारता हूं, साधु महात्मा मंडलेश्वर नागा उन्मत्त हो जाते हैं, बम बम बोले बम बम बोले। वो दो रात्र ऐसी मेरी बीती हैं, 2007, 2000 की, 2007 की वो रात शिवरात्र, वहां करने का मुझे अवसर मिला, आधी रात जगने का अभ्यास, हर रात्रि में रात्र भर अहोरात्र पूजन का अभ्यास, अब क्या करें, भोर में तो पूजन करने जाना है, तो बस मैं निकल गया काशी में, कुछ संतों को साथ लेकर नाव में बैठे, क्योंकि उस रात गंगा में रहा जा सकता है, एक ही रात ऐसी है जिस रात में गंगा में रहा जा सकता है, और वो सुलगती चिताएं मैंने वहां देखी, धधकती वो चिताएं, वो धुआं उगलती चिताएं, वो धूम्र व्यापक धूम जो नरमंडों को वहां पर रांधता है, वो जो नरमांस पकता है वहां पर, वो मैंने धुनी का धुआं, वो कैसे एक यज्ञ की धुनी हो, वो ऐसा लगता है हरिश्चंद्र घाट पर आधी रात के समय मैं साधुओं को लेकर नाव में बैठकर निकल गया, और मैं बहुत देर तक देखता रहा कि यहीं इसी घाट पर अपनी भारिया से वो कर मांग रहा था, ये कहकर कि तेरे पुत्र की लाश तब जलेगी, उससे पहले तू कुछ कर दे, कर के नाम पर कुछ नहीं है, तो वो अपना साड़ी को चीर कर उसे देती है, अंग वस्त्र इतना सा मेरा ले ले। वो दृश्य मैंने वहां देखा है, जो अपना सर्वस्व धर्म के लिए न्यौछावर कर दे, ऐसा हरिश्चंद्र जो डॉम की चाकरी करता है उस काशी में अर्धरात्रि के समय, मुझे वो दो बार याद आया, वो बहुत देर तक मैंने उसके वट से कहा यहीं रहने दे इस नाव को, बहुत देर तक, जाने कितनी, एक शब्द नहीं, एक साथ डजन, एक साथ 10-12-15 लाश एक साथ जल रही होती हैं, एक साथ, उसके वंशज आज भी हैं, जाचा करी कि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए, क्या कभी हम एक दिन नौकर बन सकते हैं, एक दिन वैभव विसार सकते हैं, क्या एक दिन के लिए अपना यशमान, अपनी सारी ऊंचाइयां दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं क्या, क्या एक दिन के लिए, एक ने तो अस्थि दान कर दिया, एक ने प्राणदान कर दिया, एक धर्म के लिए पुत्र को, भारिया को, स्वयं को बेचता है, एक 12-12 बरस के बाद रघु अपना सर्वस्व प्रजा को दान कर देता है, जो प्रजा से लिया फिर से लौटा दिया, ऐसे राजाओं की कथाएं ये, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की कथाएं, मानधाता की कथा जिसने है नर्मदा के तट पर अनेकों यज्ञ किए, मानधाता जो महाराजा रघुवंश की परंपरा में आते हैं,
कवि सदुम्न सर्याति नभग नाभाग अम्बरीश दिलीप अंशुमान भागीरथ जुगन्ना को ले आए धरती पर, अमीय जल अमृत जल वो सुर सरिता, ऐसे सत्पुरुषों की कथाएं। उन्हीं के वंश में महाराजा खटवांग जो ढाई घड़ी में उपदेशित हो गए, ढाई घड़ी में युद्ध के मैदान में गुरु भागते हुए घोड़ा दौड़ा चला रहा है और सारी सेनाओं ने मार्ग दिया, भयानक युद्ध हो रहा है, भयानक रक्तपात, एक दूसरे से लड़ रहे हैं सैनिक और गुरु का घोड़ा दौड़ा चला रहा है। ये जानकर एक ओर सब हट गए। गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे युद्ध के मैदान में, राजा से कहा, कुछ तुझे बात बताने आया था मैं। हाँ गुरुदेव, युद्ध के मैदान में क्या संदेश लेकर आए? उन्होंने कहा, बस ये कहने आया था, ढाई घड़ी के बाद तू मर जाएगा, ढाई घड़ी के बाद तेरी मृत्यु है, ये बताने आया था। फिर भी विचलित नहीं हुआ वो, गुरुजी मुझे क्या बताने आए? बोले, ज्ञान कराने आया हूं, ढाई घड़ी में कुछ ज्ञान कर ले, तुझे मोक्ष बताने आया हूं, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की साधना, जीवन की सिद्धि कैसे हो सकती है वो बताने आया हूं। खटवांग ने कहा, गुरुजी आप बहुत जल्दी चले आए, अगर एक भी सांस मेरी रहती होती और आप आ गए होते तो मुझे ज्ञान हो गया होता, ऐसा गुरु अगर मेरे पास है तो ढाई घड़ी भी कुछ ज्यादा है। जैसे इतनी चिंता हो अपने शिष्य के कल्याण की कि आपको मेरी घड़ियां गिन रहे थे, मेरी सांसें गिन रहे थे आप। गुरु ने कहा, मैं तेरी एक एक सांस गिन रहा था कि तेरी कितनी सांसें अब शेष हैं, तो अब तो केवल ढाई घड़ी रहती है, इस ढाई घड़ी में तुझे कुछ समझाने आ गया था। और युद्ध के मैदान में बैठ गए खटवांग और ढाई घड़ी में जीवन पार हो गया, ढाई घड़ी में। कई बार बीज अच्छा सच्चा होता है उन्नत कोटि का, पर धरा बंजर होती है, कई बार धरा उन्नत कोटि की है, पूरी उर्वरा है, पूरी पूरी परिपक्व धरा, पर बीज ठीक नहीं है। अच्छा, बीज और धरा दोनों ठीक है, ऋतु अनुकूल नहीं है, कई बार ऋतु की अनुकूलता नहीं होती। तो ऋतु की अनुकूलता हो, बीज उन्नत कोटि का हो, धरा श्रेष्ठ हो, और जिन हाथों से बीज डाला जा रहा है वो हाथ अनुभवी हो तो अच्छी फसल आती है, एक अच्छा उत्पादन हाथ लगता है। ये सूर्यवंश के राजाओं की कथाएं हैं। खटवांग दीर्घ बाहुश्चो रघु तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्तथा महाराजो तस्मादशरथो भवतु। राजा रघु अपना सब कुछ दान करके बैठे, एक ऋषि पुत्र आ गया, उसने कहा, सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए, गुरु दक्षिणा में देनी है। सहस्र कोटि, एक विपन्न ब्राह्मण बाल, कथाएं कुछ ऐसी मिलती हैं, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब सेठ था, ऐसी कथाएं नहीं मिलती। एक बेचारा गरीब कोई ब्राह्मण था, इसलिए संतुष्ट होना चाहिए द्विज को, संतुष्टा असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्ट रहना चाहिए द्विज को। अच्छा, दान देना भी इसी को आता है, ब्राह्मण को दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, विद्या का दान देना, ज्ञान का दान देना, बड़ी बात है, भेद दे देना। सात पीढ़ी तार रहे हैं आपकी, वो दक्षिणा में कुछ थोड़ा धन धान्य ले रहा है और क्या, एक औदार्य होता तो है ब्राह्मण में, बड़ा औदार्य, और उसकी भिक्षावृत्ति भी है। एक विपन्न ब्राह्मण बाल ने कहा कि गुरुदेव मुझे क्या देना है दक्षिणा में? तो गुरु जी ने कहा, तुझे कुछ नहीं देना है, तेरे पास कुछ है नहीं, तू क्या दे पाएगा? उसने कहा, महाराज प्रयास कीजिए, मैं प्रयास करूंगा, आप कहिए तो सही। गुरु जी आवेश में थे, गुरु जी ने कहा, सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं, हजार करोड़ सोने की मुद्राएं लेकर आ जा। वो रघु के पास पहुंचा और उसने कहा, सूर्यास्त से पहले पहले मुझे गुरु को दक्षिणा देनी है।
रघु ने कहा मैं तो सब दान कर बैठा हूं, लेकिन उस ऋषि बालक ने कहा कि मैं वो मंत्र सिखाऊंगा आपको, मैं मंत्र बताता हूं, मैं विद्या बताता हूं, आप कुबेर के कोष को लूटिए, यहां से कुबेर के खजाने को सैंध लगाते हैं, मैं विद्या बताऊंगा आपको, यहां से आह्वान करो, इन मंत्रों के माध्यम से कुबेर का कोष खाली किया जा सकता है, कुबेर पर धावा बोल दीजिए, आप क्षत्रिय हैं, मैं नहीं लूट सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप युद्ध करें, कुबेर के साथ ठान लो जरा, आपके पास धन नहीं है पर देवताओं का धन तो हमारा अपना धन हो सकता है, कुबेर को चुनौती दो। कौत्स के मंत्र और रघु के बाण चले, कुबेर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुबेर ने कहा कितना धन चाहिए? उस ब्राह्मण बालक ने कहा मेरे गुरु के आंगन में 1,000 करोड़ सोने की मुद्राएं बरसा दीजिए, बस इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। विद्या में तो ये चीजें हैं। बन बरसने लगा स्वर्ण। गुरु ने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, ये सारा धन फिर से दे दिया जाए, कुबेर के कोष में डाल दिया जाए। कभी कभी विद्या की परीक्षा होती है, संकल्प की परीक्षा। मैं तेरे संकल्प की परीक्षा लेना चाहता, तेरे पास संकल्प है क्या? तेने स्वयं की परीक्षा ले ली, अपनी विद्या की, राजा की। ऐसे रघुवंश में खटवांग दीर्घतमा के यहां, दीर्घबाहु के यहां अज का आगमन, अज के यहां दशरथ और दशरथ से राम, ऐसा कहते हैं राम, बस ये नाम लेते ही आराम सा मिलता है, राम विश्राम मिलता है। गुरु जी ने जब नामकरण किया तो कहा कि विश्राम देने वाला ये नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक, पूरे जीव जैव सत्ता को, जीव राशि जितनी है उस जीव राशि को जो विश्रांति दे वो है राम। राम तो आराम देने वाला नाम है, विश्रांति, शांति, सुरक्षा, प्रेम। ये नाम बड़ा अद्भुत नाम है, इस नाम में मुक्ति है, मोद है, प्रसन्नता है, चरित्र है, मर्यादाएं हैं, इस नाम में भारी तप है, त्याग है, इस नाम में। ये नाम बड़ा अद्भुत नाम है, भारत की भोर इसी नाम से चलती है। आज भी अधिकांश गांवों में, आज भी भारत की भोर, भारत की प्रातःकाल देखनी हो तो भारत का प्रत्येक प्राणी, गांव का प्राणी एक ही नाम गुनगुना रहा होता है, एक दूसरे से भोर में लोग कह रहे होते हैं राम राम जी, जय राम जी की, राम राम जी। जो भारत के भोर में गुनगुनाया जाए नाम, जो भारत के प्रभात को सजाए नाम, राम। विस्मित होकर, चकित होकर कोई नाम लिया जाए तो वो नाम राम है। प्रसव की पीड़ा के समय कोई एक मां जब अपने मातृत्व को साकार कर रही होती है और भयानक प्रसव की पीड़ा से त्रस्त है, तब भी उसकी जिभ्या से यही नाम निकलता है, हे राम। तो ये नाम कुछ ऐसा है जिस नाम में सनातनता है, नित्यता है, मुक्ति है, आनंद है, प्रेम में है। इस नाम में पूरा पूरा चरित्र है, ये नाम पूरा चरित्र है। तो मुझसे कोई पूछे कि इस देश का चरित्र समझना हो तो क्या है, इस देश का चरित्र समझना हो तो क्या है, तो इस देश का चरित्र एक नाम में समझा जा सकता है और वह राम। राम इस देश का चरित्र है। कोई यह करैक्टर जानना चाहे कि हमारा करैक्टर क्या है, जैसे कोई जल की प्रकृति, जल की सत्ता, जल की शुचिता, जल के संपूर्ण गुण धर्म, जल में जल की मूल सत्ता क्या है, कोई वाटर कल्चर करके, कोई वाटर को जानना चाहे कि चलो वाटर की कल्चर करें और उसकी मूल सत्ता, उसके गुण धर्मिता, पाचकता, स्फूर्ति, उसकी सत्यता, शुचिता, कितना शुद्ध है, कितनी उसमें इंप्योरिटीज हैं, कितनी अपवित्रता है, तो कोई वाटर की कल्चर की जाती है, कोई जल का विश्लेषण किया जाता है कि जल को ढूंढे कितना पवित्र, पूज्य, स्फूर्ति, जल की सत्ता कितनी सही है, तो कोई सच में इस भारत की संस्कृति और भारत के चरित्र को, भारत की गुण धर्मिता को और भारत की आत्मा को ढूंढना चाहे
तो उसे एक नाम मिलेगा और वो नाम है राम। राम इस देश की शुचिता है, इस देश की पवित्रता है, इस देश का शील समाधान है, इस देश का वो विश्राम है। एक और बात कहें, भारत का चरित्र है राम। राम भारत का चरित्र है, वो आज्ञाकारी पुत्र है। अच्छा श्याम कहें, एक तो है नाम राम, एक है श्याम, तो श्याम क्या है? राम तो भारत का चरित्र है और कृष्ण इस राष्ट्र की मनीषा, पांडित्य, दार्शनिकता, बौद्धिकता, माधुर्य, मुक्ति, प्रियता। माधव जैसा पुत्र हो सकता है, उन जैसा पति, उन जैसा स्वामी, उन जैसा भर्ता, उन जैसा शिष्य, उन जैसा सखा, उन जैसा सचिव, जो सखू का सेवक बन जाए, जो सेन की जगह और दुर्योधन के पैर दबाने चला जाए, जो चाकर बन जाए, अनुचर बन जाए, परिचारक बन जाए, किंकर बन जाए, दास बन जाए, जो सेवक बन जाए, सचिव बन जाए, मित्र बन जाए, सुंदरता बन जाए, स्वास्थ्य बन जाए और भैया समृद्धि बन जाए सुदामा की, तो जो सुदामा की समृद्धि है, जो सुदामा की संपदा है, इसे कृष्ण इस राष्ट्र की मनीषा, बौद्धिकता, पांडित्य, प्रेम। इसलिए किसी ने कहा जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। ये दो नाम ऐसे हैं जिनमें पूरी संस्कृति दिखाई देती, ये दो नाम ऐसे हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आप राम कहें तो चरित्र और मर्यादाएं दिखती हैं, त्याग दिखता है, औदार्य दिखता है, अघनाशन के उच्च स्तरीय भाव दिखते हैं, पापनाशन के लिए देखो कैसी भगवान राम की एक स्वाभाविकता। तो ऐसे पांचवें दिन राम का चरित्र आता है गौण रूप में। अच्छा राम कथा भी वन गमन के साथ शुरू होती है, राम की थोड़ा चरित्र आता है भागवत में। कब आता है? जब राम वन की ओर जा रहे हैं। अच्छा कोई वन गया तो बन गया भैया, जो वन में गए बन गए। वन उपवन उद्यान, गिरि कंदराए, हिमोपत्यकाएं व्यक्ति का निर्माण तो करते हैं, वहां कुछ है तो सही। राम वन में गए यानी त्याग किया तो कुछ बन गए। 14 बरस का जो काल है राम का वही उल्लेखनीय कथनीय है, 14 बरस का। हर किसी को कुछ एक सीमित सा समय मिला है, हम सबको एक निश्चित समय मिला है, उसमें कुछ कर लेना बस। समय चूक गया फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे बैठा ही नहीं जा रहा है, आसन नहीं लग रहा है, प्रदक्षिणा कैसे करें, पर्वत कैसे चढ़ें, प्रणाम कैसे करें, दंडवत कैसे करें, आसन कैसे लगाएं, अब होता नहीं महाराज। तो कुछ निश्चित सा समय मिला है उसमें कर लेना। राम का पूरा कालखंड, राम का पूरा चरित्र 14 सालों में जो श्रेष्ठ है, महनीय, वंदनीय, वो जो 14 बरस का काल है राम का, वो कैसा काल है। उसके बाद जब लौट आए तो फिर शायद वो उतना महनीय नहीं रहा, सिंहासन पर बैठ जाने के बाद तो विवशताएं, परवशताएं, विकलताएं, सीता का वियोग है, लव कुश से पराजित होने की बात है। देखिए तो सही, 14 बरस का काल, आपके पास भी एक निश्चित सा समय है, उस समय में कुछ कर लेना। उन्हीं के वंश में ययाति हुए, ययाति, यति या ययाति, उनके पिता थे नहुष। इंद्र के चयन के लिए एक मानव का चयन हुआ, धरती से एक व्यक्ति चुना गया इंद्र पद के लिए, नहुष का चयन हुआ। कामासक्त नहुष अपनी सत्ता खो बैठे, स्पर्श का सुख लेने के लिए ऋषियों ने परीक्षण करना चाहा कि एक मनुष्य को हमने देवताओं का स्वामी बना तो दिया, एक मनुष्य को पुण्य के प्रभाव के कारण, ये चूंकि पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, अत्यंत साधन व्रती है, उपवास अधिक किए हैं,
बड़ा समर्थ पुरुष है, बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। एक व्यक्ति को हमने इंद्र बना तो दिया है, पर क्या सच में इसका अंतःकरण इंद्र जैसा है? तो ऋषियों ने उसके उनके अंतःकरण में काम को टटोला, कितना काम है। और सभी ऋषियों ने कहा कि अब तो आप इंद्र बन गए, इंद्राणी के पास चलो। इंद्र बन जाने के बाद, पद प्रतिष्ठित हो जाने के बाद, संग्रह की भावना, संचय की भावना, काम प्रदीप्त हो गया, अभिमान आ गया, ऋषियों को पालकी में जोत लिया, ऋषि धीरे धीरे चलने लगे, उनके मस्तक पर पादप प्रहार किया नहुष ने, यह कहकर धीमे मत चलो, क्योंकि काम प्रचंड हो रहा था, इंद्राणी की निकटता बहुत व्याकुल कर रही थी नहुष को कि अब तो मैं इंद्र हो गया हूं, अब तो मुझे इंद्राणी मिलनी चाहिए, अब तो मुझे वो इंद्र भारिया मेरी होनी चाहिए, सारे रमणिया और ये अप्सराएं मेरे अधीन बने। ऊंचे पद पर बैठकर नहुष ने ऋषियों के मस्तक पर पादप प्रहार किया काम की अधिकता ने, और उस अभिमान ने इंद्र को नहुष को इंद्र पद से च्युत कर दिया। ऋषियों ने भयानक श्राप दिया, जा तू अजगर बन जा, सांप बन जा, तू इस योग्य है ही नहीं, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि कोई चीज प्राप्त हो गई, आप में अभिमान आ जाए। कभी कभी सिद्धियां द्वार पर आती हैं, उपलब्धियां आती हैं, देव अनुदान आते हैं, कभी कभी बहुत ऊंचाइयां आपके आसपास आने को आतुर होती हैं, पर कोई एक दुर्बलता उन्हें वापस लौटा देती है। ऐसा नहीं कि सिद्धियां नहीं आती हैं आसपास, साधना में सिद्धि, उपलब्धि, बहुशक्तियां, अत्यंत वह प्रतिभा आपकी जगने को तैयार है, पर कोई एक दुर्बलता है जो उससे हमें दूर कर देते हैं। उसी नहुष के यहां ययाति की दो पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी, उनसे दो पुत्र हुए यदु और पुरु। उन्हीं से यदुवंश, और यदुवंश में भगवान का आगमन हुआ। आइए दशम स्कंध में चलते हैं, जहां भगवान के अवतरण की गाथाएं हैं। देवी भई अब अजर कनिया, देवी भई अब अजर कनिया, अजर कनिया रे अजर कनिया, अजर कनिया रे अजर कनिया, देवी भई अब अजर कनिया, तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमुक्त कंकणतरे वेणुकणिकं कणम्, सैतामे हरिचंदनं सुललितं कंठे शुक्तामणि, भूपसी वरयिष्ठतुर्जयते गोपालचुरा, गोपालीवरगांगदारीतावरम सुंदर गोपीरांगाव गोविंदम करवाद्या श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः
अस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्तो पुण्डरीकायः। सुखदेव मुनि ने कहा अब जो मैं कुछ सुनाना चाहता हूं उससे पहले मुझे आह्लाद हो रहा है। ये कभी कभी ऐसा भेद हो जाता है, क्योंकि सुखदेव मुनि के इष्ट भगवान कृष्ण हैं, तो अपने इष्ट की जब बात आई तो आह्लाद आने लगा। तो अपनी जब कोई बात कहें, कोई व्यक्ति अपने गांव की कहानी सुनाए, अपनी बात कहे, तो उसमें अधिक रुचि आ जाती है, एक अपनापन। क्यों तो सभी संत वंदनीय पूजनीय, सभी संतों का नित्य आदर करें हम, पर कभी कोई अपने गुरु की बात कहे, हमारे गुरु की बात कहे तो अच्छा सा लगता है। कोई अपने तीर्थों की बात करे, अपनी नदिया की बात करे। मैं तो रोज निकलता हूं, आपना को प्रणाम करता हूं, उसी में गंगा और यमुना को देखता हूं मैं। धार कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसका एक इतिहास तो है ना, एक इतिहास है। तो कभी कोई बहुत छोटी चीज भी गुदगुदी पैदा करती है, एक मिष्टता माधुर्य लाती है। हे राजन, अब मैं जो तुझे सुनाना चाहता हूं वो आह्लादकारी है, आनंदकारी है। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो मोक्ष कारक है, भवतारक है, सिद्धिदायक है। अब तू कथा सुन, अब मैं तुझे कथा सुनाता हूं। परीक्षित चकित हुआ, उसने कहा गुरुवर इससे पहले क्या सुना रहे थे? तो उन्होंने कहा इससे पहले तो मैं भूमिका बना रहा था, इससे पहले तो मैं तेरे अंतःकरण का निर्माण कर रहा था, तुझमें वैराग्य जगे, मैं तुझे भगवान की बाल लीलाएं सुनाना चाहता था, कृष्ण की बाल लीला, ललम लायति लीला, जिसे लयता आए, मल विक्षेप आवरण ध्वस्त हो, चित्त सुंदर बन जाए, रोम रोम में आनंद स्थिर हो जाए। इसे जो आह्लादकारी मेरी स्थिति है, जो मैं तुझे सुनाना चाहता हूं, अभी उससे पहले मुझे आह्लाद हो गया है। ये जो कथाएं हैं आनंदकारक, मोक्षकारक, शांतिकारक, भवतारक। यदुवंश की कथा सुनाने लगे, मधुपुरी का वर्णन बताने लगे, परिण तनुजा तर तमाल तर वर बहुछाए, जम्बू तमाल पाकल रसाल, घने कुंज की कथा कि कैसे यमुना का एक सुंदर प्रवाह वहां मधुपुरी मथुरा और मथुरा की कथा सुनाने लगे। सूर्यपुत्री यमुना की चर्चा बताने लगे, यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर नगरी मथुरा और वहां का एक क्रूर शासक, शासक दुष्ट, जिसके पांच मित्र कूट शल तोशल चाणूर मुष्टिक, कूट भेद डालने वाले, शल चुभन पैदा करने वाले। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनका नाम सुनते ही चुभन से पैदा होते, नाम लो तो चुभन से लगती है, लगता है कुछ चुभ गया, नाम लेते उनका स्मरण आते। तुलसीदास जी भी ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना भूल नहीं पाए, मिलत एक दारुण दुख दें, बिछुड़त एक प्राण हर लें। एक जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, भय देते हैं, आतंकित कर देते हैं। सचमुच वो कोई हिंसक नहीं होते, पर उन्हें देखकर लगता है ऐसा ये कि अब ये हमारी सत्ता, प्राण, आनंद, स्वायत्तता, स्वतंत्रता सब छीन ले जाएंगे। उनका भास आभास बड़ा आक्रामक होता है, बड़े उत्तेजक होते हैं, भयानक होते हैं, उनका तो स्मरण भी बड़ा आतंककारी होता है। बिछुड़त एक प्राण हर लें, एक प्रकार के ऐसे प्राणी होते हैं जब वो बिछुड़ते हैं तो लगता है प्राण गए, ये क्यों चले गए जीवन में से। किसी के जाने पर लगता है सब कुछ चला गया, और किसी के आने पर ऐसा लगता है सब कुछ लुट गया। मिलत एक दारुण दुख दें, तो एक कैसा था कूट भेद डालने वाला, शल चुभने वाला, तोशल, तोशल का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बातें तो करता था लेकिन पूर्ति नहीं करता था, बड़े बड़े आश्वासन तो देता था, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे,
पता लगा कि उन्होंने नाप तो दिया कितने मीटर, फाड़ के देखा तो रुमाल नहीं निकला उसमें से। लंबी बात कर दी उन्होंने, बहुत बड़ी बातें कर दी। इन टोटलिटी में देखा गया, प्रोडक्टिविटी जब हाथ लगी, एक उत्पादन हाथ लगा, कलेक्टिवली जब देखा कि कितना हाथ लगा, तो अरे तो रुमाल भी नहीं बन सकता इसमें तो, तू तो इतना लंबा माप दिया था उन्होंने, वो इसी काम में लगा रहता था। कौन? तौशल। सबको तुष्ट करो, संतुष्ट करो, तुष्ट कर दो, इन्हें तुष्ट करो, इन्हें तुष्ट करो, तुष्टिकरण तुष्टिकरण। जहां उभर रहे हैं विरोध के स्वर, जहां कोई आक्रामकता आंदोलन है, जरा से कोई अपने अधिकारों की बात कर रहा है, तो तुष्टि करो, तुष्टि करो, तौशल। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो चारूर, यानी उन्हें भयभीत करो, और किसी भी तरीके से मुष्टिक अपनी मुट्ठी में बंद रखो। किसी भी तरीके से प्रजा मुट्ठी में रहनी चाहिए। कंस के ये पांच दुष्ट मित्र थे, कूट, शल, तौशल, चाणू, मुष्टिक। मुष्टिक, प्रजा मुट्ठी में रहनी चाहिए, मुष्टिक। या मुष्टिक प्रहार, भय दिखाओ, दंड दो। तो ऐसे कंस के आक्रमण से प्रजा त्रस्त थी, जिसने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया हो, ऐसा क्रूर व्यक्ति जिसने अपने वृद्ध पिता को बेड़ियों से जकड़ लिया हो, जो वृद्ध पिता को एक बार जल देता हो, एक बार, जिसने सूरज की किरण न देखी हो, जिसने अपने पिता के संपूर्ण अधिकार छीन कर हथगड़ियां बेड़ियां डाल दी, काल कोठरे में फेंक दिया उसे, इतना क्रूर व्यक्ति। उसके यहां कुछ आज उत्सव जैसा वातावरण है। उस क्रूर शासक के, उस क्रूर कंस के यहां रमा ब्रह्माणी रुद्राणी का अवतरण है। यज्ञ पत्नियां पहुंच रही हैं, सुरवालाएं हैं, रोक नहीं पाई इंद्राणी अपने आप को। रम्भा, मेनका और तिलोत्तमा आदि अनेक अप्सराएं, परिचारिकाएं बनकर, अनुचरियां बनकर, दासियां बनकर, एक झुंड बनाकर उसकी चचेरी भगनी देवकी को घेर कर खड़ी हैं। कभी कभी दुष्टों के यहां भी उत्सव देखा जा सकता है, पर किस कारण से है ये जानने वाली बात है कि उस दुष्ट के यहां जो उत्सव है, उस दुष्ट के यहां जो मंगलाचार है, कि वह रमा ब्रह्माणी रुद्राणी चली आई कंस के लिए नहीं, देवकी के लिए। उनको देवकी से काम है, देवकी से, वो देवकी का आदर करने के लिए, उसे प्रणाम करने के लिए, करोड़ों स्त्रियों में से जिसका चयन ईश्वर करने वाले हैं। रमा को लगा एक बार चरण छूने, आलता लगाने के बहाने से, पैरों में थोड़ा थोड़ा सुर्ख लाल रंग का सा एक आभास सा पैदा कराए, पाद तल को गुलाबी सा बना दे, बहनों के चरण सुंदर से दिखें, बहु बेटियों के चरण अच्छे लगें, उसे उस औषधि को आलता कहते हैं। वो हाथ में मेहंदी लगाती है, कभी कभी बालों में वैणी बंधन फूल लगा लेते हैं, षोडश श्रृंगार आलेपन की चर्चा है, हल्दी, चंदन, आंवला, हरड़ बहेरा, बहुत सी औषधियां हैं, गौरस है, फलों का रस है, अब तो कितनी हर्बल ट्रीटमेंट होने लगे हैं। घिस रही है चंदन, कोई मेहंदी घोल रही है, कोई हल्दी घोल रही है, कोई मृदंग लेकर बैठी है, कोई ढोलक पर थाप दे रही है, कोई गीत गा रही है, कोई थाल सजा रही है, कोई चौक पूर रही है, तो कोई अल्पना, कोई रंगोली बना रही है, तो कोई तोरण द्वार, कोई वंदन वार लगा रही है, किसी को फुर्सत नहीं है, कोई मंगल कलश भर रही है, कोई पकवान व्यंजन मिष्ठान बनाने में लगी है। ये सब इतनी अनुचरियां, देवकी मनी मन विचार करती है कि हमारी इतनी दासियां तो नहीं थी, हमारी यहां इतनी इतनी परिचारिकाएं, इतनी दासियां कभी नहीं थी, पर बेचारी मौन है, अविवाह है,
और जिसका विवाह होता है वो स्वाभाविक रूप से वो वधु बिचारी मौन रहती है, दूसरे ही बहुत बोल रहे हैं, वो मौन स्वाभाविक है, वो कुलशील है, लज्जा है, संकोच है, अपनी क्या प्रशंसा करे, दूसरों की दृष्टि उस पर है, सबका ध्यान ही दुल्हन पर होता है, तो वो जैसे तैसे अपने को सहेजती है, सकुचाती है, और मुझे लगता है ये उसका शील भी है, ये उसका आभूषण भी है। नारी का आभूषण लज्जा, शील, संकोच, ये तो उसका आभूषण है, लज्जा उसका आभूषण है। कभी कभी वो सकुचाए तो अच्छा लगता है, तो सकुचा रही है, वो स्वभाव है सुभद्राओं का, सुचरिताओं का। तो आलता लगाने के बहाने से जिसने चरण छू लिए, ऐसी रमा वो नूपुर ठीक कर रही है, वो पैंजनियां ठीक कर रही है, वो पायल के एक एक घुंघरू व्यवस्थित कर रही है। हाथों में जो मेहंदी लगाती है उसका नाम है ब्रह्माणी। वो हाथ की रेखाएं देखना चाहती हैं, करतार की मां कैसी होती है, भगवान की मां कैसी होती है, वो कौन सी रेखा होती है जो भगवान की मां बनती है। एक कोई हमें मिल गई ज्योतिषी, वो कह लेंगे हाथ दिखा दो महाराज अपना, मैं वो रेखा देखना चाहता हूं जिसने आपको सन्यासी बना दिया। मैंने कहा वो रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे हाथ में वो रेखा नहीं हो सकती, मेरे तो गुरु ने मुझ पर कृपा की है, रेखा नहीं मिल सकती तुझे, मेरा वैसा भाग्य नहीं है, मेरी वैसी तपस्या नहीं है, मेरे वैसे साधन नहीं है, मैंने वो व्रत नहीं किए हैं, मैंने वो कष्ट साध्य अनुष्ठान नहीं किए हैं, उतनी मेरी तप राशि नहीं है, इसलिए रहने दे, वो रेखा नहीं मिलेगी। हाँ, तेरी अंतर के चक्षु कृपा की रेखा को पढ़ना जानते हो तो शायद मेरे हाथों में कुछ और नहीं दिखेगा, केवल संत और गुरुओं की कृपा दिखेगी, रेखाओं में मेरा भरोसा नहीं है। वो बनती हैं और मिटती हैं, वो बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। हाथ की रेखाओं के जंजाल में उनको मैं प्रणाम करता हूं, उस विद्या को, मेरा भरोसा संत और गुरु की, भगवान की कृपा पर है। तो वो रेखा देखना चाहते हैं, मेहंदी का तो बहाना है। एक है जो बार बार माथे को चूम रही हैं, चूंकि बड़ी भी हैं, वो ज्येष्ठा भी हैं, वो सबसे बड़ी हैं, उन्हें आशीष का अधिकार भी है। रमा को आशीष का अधिकार नहीं है, रमा के सामने तो वो उनके पति की मां है, सास बैठी है, सास को आशीष कौन दे। ब्रह्माणी तो दासी है, वो तो बार बार हाथ सजा रहे हैं, लेकिन जिसे आशीष का अधिकार है, मन चाहे राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सागर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। जो मन की बात जानती हैं, जाने गौर अनुकूल, अगर गौर अनुकूल हो जाए, पार्वती किसी के लिए अनुकूल हो जाए, तो फिर क्या होता है, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, फिर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसलिए पार्वती माथे पर हौले से अपने ओठ रख देती हैं, चुंबन जड़ देती हैं, आशीष देती हैं, धन्य है हरिदेव की, तू ईश्वर की मां बनेगी, ईश्वर की मां बनने का तुझे, भगवान की मां बनने का तुझे गौरव प्राप्त होगा। ये माताओं को आशीर्वाद देती है, बहुओं को आशीर्वाद देती है, बेटियों को आशीर्वाद देती है, कुमारियों को आशीर्वाद देती है। कुछ बड़े लोगों को यह अधिकार मिला होता है कि वो आशीर्वाद के लिए पैदा होते हैं, पर आशीष देना होता है उनको। नाथक द्वारा मैं कथा कह रहा था कुछ एक दो सप्ताह पहले, वहां शुद्धाद्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत पर कुछ थोड़ी छोटी मैं चर्चा करता रहा। एक संत ने मुझसे पहले कभी पूछा था कि महाराज जी आप कौन से वाद में विश्वास रखते हैं, अद्वैतवाद में, द्वैताद्वैतवाद में, शुद्धाद्वैत में, या केवल अपने अद्वैत में। मैंने कहा मैं सब में रखता हूं, पर एक वाद मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसका नाम है आशीर्वाद। एक अद्वैतवाद, एक अद्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारे वाद तभी समझ में आएंगे, नहीं तो भैया वाद विवाद हो जाएगा।
कोई वाद वो अद्वैत भी हो तभी समझ आता है जब आशीष हो। तो चुंबन जड़ दिए पार्वती ने, हाथ पर हौले से अपना हाथ रख दिया ब्रह्माणी ने, चरणों को ठीक कर दिया रमा ने, और अनेक सुरबालाएं अप्सराएं यज्ञ पत्नियां और देव बालाएं अनुचरी बनकर देवकी का श्रृंगार कर रही हैं। कंस है जो बार बार झांक झांक कर अपनी बहन का श्रृंगार देखना चाहता है, उसके आगमन की आहट पाकर अचेत हो जाने वाली अनुचरियां उसे धकेलकर बाहर करना चाहती हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो। यहां केवल कुमारियां रह सकती हैं, तरुणियां रह सकती हैं, युवतियां रह सकती हैं, वृद्धाएं रह सकती हैं, यहां बड़ी बूढ़ी रह सकती हैं, यहां केवल महिलाएं रह सकती हैं, पुरुष नहीं। बाहर निकले, उसे धकेलकर बाहर कर रही हैं, उसका हाथ पकड़कर। उनका साहस तो देखो, वो दासियां वो अनुचरियां जो उसके आगमन की आहट पाकर अचेत मूर्छित हो जाती, व्याकुल हो जाती, दुष्ट पुरुष का आगमन हो रहा है। वो कुमारियां तरुणियां वो अंतःपुर की दासियां कंस का नाम सुनकर मूर्छित हो जाती, दुष्ट पुरुष है, लेकिन वो उन्हें इतना साहस आ गया वो कंस को धकेल कर बाहर करने लगे, बाहर निकलो बाहर निकलो। कंस बड़ा भाग्यशाली मान रहा है अपने को, देखो मैं कितना बड़ा भागी, मैं भगिनी के हाथों का सौंदर्य मेहंदी देख रहा हूं, सुंदर आभूषण। कंस ने घोषणा कर दी, जितने पाचक हैं सब मेरी बहन के साथ दहेज में जाएंगे, जिन्हें पकवान व्यंजन मिष्ठान बनाना आता है, जितने अच्छे रजक हैं, रजक कहते हैं धोबी को, जिन्हें अच्छे तरीके से कपड़े बनाने आते हैं। भागवत में लिखा है कि उसे चिंता लगी कि मेरी बहन के परिधान वस्त्र इन्हें ठीक ढंग से कौन रख पाएगा, तो अपने अनुचरों को आदेश देता है कि जो अच्छे अच्छे रजक हैं जो धोबी हैं उन्हें मेरी बहन के साथ भेज देना, पाचकों को रसोइयाओं को भेज देना, जो अच्छे अनुचर हैं कुशल, जो हमारे यहां जो दास हैं दासियां हैं सब मेरी बहन के साथ जाएंगे, एक एक रत्न निकालो महंगा, अच्छे आभूषण महंगी वस्तुएं साज सज्जा की सामग्री भर दो, बैलगाड़ियां लाद दो, हाथी और ऊंटों पर सामान सब मेरी बहन को दे दो। इतना प्रेम करता अपनी बहन से सप्तपति फेरों के सामने फटफट कर रोने लगा, बहन को विदा करने के लिए रथ में बैठाया, चरण चूमने लगा, हाथ में रथ बलगाएं ले ली, स्वयं सारथी बन गया, प्रतोद की फटकार लगाई, घोड़े दौड़ने लगे तो उनकी रस्सी खींचता है कि इतनी तेजी से घोड़े दौड़कर न चले जाएं, धीमे धीमे घोड़े चलें, ये बहुत तेज क्यों चल रहे हैं घोड़े, तेज भागे तो मेरी बहन जल्दी चली जाएगी, मथुरा का सद्भाग्य जा रहा है सौभाग्य जा रहा है। रोने लगा, कहने लगा देखो मेरा सद्भाग्य सौभाग्य जा रहा, आज मथुरा सुनी हो गई, मथुरा का आनंद चुराकर वसुदेव ले जा रहा है, आज तो मथुरा खाली हो गई, अब मथुरा में कोई रस और सुख नहीं रहा। अरे वसुदेव आप धन्य है, मैं तो लुटेरा निकला पूरे संसार को लूटता रहा, आप मेरा भाग्य लूट कर ले जा रहे हो, मेरा आनंद ले जा रहे हो। इस तरह से जैसे ही राजपथ पर रथ आया, अचानक आकाश से भारी कंपन धरा की ओर बढ़ने लगा, आकाश में भारी कंपन पैदा हुआ, एक प्रबल प्रभंजन एक सुंदर वाणी पूरे आकाश को झकझोरते हुए धरा पर उतरी, जिसने ऋषियों के हृदय को आनंदित कर दिया, ऋषि मुनि आह्लादित हो गए, देवगण हर्षित होने लगे, और वाणी कुछ कुछ आनंदकारक और थोड़ी भयकारक भी थी। उस वाणी में आया, अरे मूढ़ जड़ शठ कंस, जिसे तू अपनी भगिनी कहता है वो तेरे काल की जननी है, जिसे तू बहन कहता है वो आठवें पुत्र को जनेगी और उसी से तेरी मृत्यु होगी, ये तेरे काल की जननी है,
इससे तेरा काल हंता प्राण हंता आएगा, इससे तेरा काल आने वाला है। वो तेरे मस्तक पर मुष्टिक प्रहार कर, गर्व से भरी छाती पर पाद प्रहार कर, तेरे केश खींचकर सिंहासन से नीचे उतारेगा। आठवां पुत्र देवकी का तेरा काल होगा। ये मिथ्या वाणी नहीं है, देववाणी है, ये हम देवताओं की वाणी है। हम सब देव मिलकर घोषणा करते हैं कि देवकी का आठवां बेटा तेरा काल होगा। ये देवकी तेरे आठ काल की जननी है। वलगाएं हाथ से छूट गईं, घोड़ों के रास खिसक गई, एक पल में ही मन बदल गया, एक पल में ही मन बदल गया, कृपाण निकाल ली। और कृपाण निकल नहीं रही है तो लात घूसों की बौछार करने लगा। ये मेरी बहन और मुझे काल देने वाली है तो लात घूसों की बौछार करने लगा। केश पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया, धूल धूसरित हो गई मां, अंग अंग से रक्त बहने लगा, भारी त्रास देने लगा। कोमल अंगों पर, मस्तक पर, वक्षस्थल पर, उसके उदर में बार बार मुष्टिक प्रहार करने लगा, पेट में घूसों की बौछार। देवकी उफ नहीं कहती है। देवकी ने यह नहीं कहा मेरे प्राणों को मत ले, देवकी ने यह नहीं कहा मुझे त्रास मत दे। देवकी हर्षित है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। देवकी कहती है अरे आठवां भगवान आएंगे तो मेरे प्राण ये ले नहीं सकता, कुछ देर का इसका आवेश है, ये मेरे प्राण छीन नहीं सकता। वसुदेव ने बड़े आवेश के साथ कहा कि अगर तेने एक बार अब फिर देवकी को छुआ तो उसके रोम रोम से कृष्ण निकल पड़ेंगे। घबरा गया, हथगड़ियां बड़ियां डाल दें कारागृह में। दुष्ट की प्रीति कितनी देर की? थोड़ी सी। कितनी सी? जैसे आकाश में बिजली चमके। अभी उसे हम देखना चाहते हैं कि सहसा खो जाती है। कितनी सी? दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर माही। कितनी देर की है दुष्ट की प्रीति? कितनी सी देर की? ओसों की उसकी बूंद कितनी देर की? सपने का धन कितना सुख देने वाला? सपने के धन से कभी सुख मिला किसी को? सपने के धन से किसी की विपन्नता दूर हुई? कभी नहीं। वैसे ही दुष्ट की प्रीति, दुष्ट की मैत्री कभी सुख नहीं देती। कारागृह में डाल दिया। देवकी को पहला पुत्र हुआ। गोद से छीन कर उस पुत्र को कठोर भित्ति पर उसे उछाल दिया, जैसे एक छोटा सा कोई फल फेंक दिया जाता है। देवकी के हाथों से उसका बेटा छीनकर और कारागृह की कठोर दीवार पर, प्रस्तर की दीवार पर फेंका। बालक के अंग अंग छितर गए, बिखर गए, चिथड़े उड़ गए। चीत्कार के साथ एक चीख बालक की और अंग 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 बिखर गए। देवकी को जब होश आया तो अपने वस्त्रों से अपने बालक के अंग जो चिपक गए थे उन्हें छुड़ाने लगे। कहीं जिभ्या है, कहीं होठ हैं, कहीं अंतड़ियां हैं, तो कहीं आंखें हैं। देवकी भयभीत हुई। ऐसे देवकी ने 6 हत्याएं देखी अपने बच्चों की। दीवार के धब्बे गिनती रहती वो, कारागृह के भयानक वो रक्त के धब्बे उसे याद कराते रहते, 1, 2, 3, 4। अब वो अभ्यासनी हो गई थी, वो जानती थी कि लगभग मेरे इतने पुत्रों की हत्याएं होंगी। 7वां बालक जब आया तो कंस भयभीत हो गया, उसे देख नहीं सका। 7वां तो लगा इसे काल आ गया, महाकाल आ गया। कंस घबराया। कंस ने कहा मैं 7वें बालक को मारने नहीं आऊंगा, जब ये बालक पैदा हो गया तब ले आना, अभी तो गर्भ में है वो बालक तो मुझे भयभीत कर रहा है। 7वां कोई और नहीं, कोट कोट फण धारण करने वाले शेष देवकी के गर्भ में, देवकी के गर्भ को पवित्र करने के लिए शेषनाग का आगमन। देवकी की आंखें से लाल लाल अंगारे बरसाती थी, उसके रोम रोम से हजारों हजार सर्प निकल पड़ेंगे
ऐसा लगता था हजार हजार सर्प उसके रोम रोम से निकलकर भागने वाले हैं। घबरा गया कंस। कंस ने कहा सातवां बालक जब हो जाए तो मेरे पास ले आना। लेकिन सातवां बालक हुआ ही नहीं। सातवां बालक, सातवां तो स्वयं बलभद्र बलदेव देवकी के गर्भ को पवित्र करके रोहिणी के गर्भ में चले गए। वसुदेव की पांच पत्नियां बताई गई हैं। देव की अंतिम पत्नी थी उनकी। वसुदेव की पहली पत्नी का नाम था रोहिणी। तो वसुदेव के वो अंश देवकी के जो गर्भ में थे वो रोहिणी के गर्भ में देवताओं ने स्थापित कर दिए। सातवां बालक ही नहीं हुआ, आठवां बालक। और जब आठवें गर्भ की चर्चा सुनी कंस ने, तो जैसे तैसे साहस बटोरकर कारागृह में आए। हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। देवकी की आंखों में झांक कर देखा तो लगा समाधि है। बार बार उसकी आंखों में झांकता रहा, ऐसा सुख कभी मिला नहीं उसे। मन ही मन सोचने लगा मेरे पास इतनी संपदा, इतना धन, इतना बल, उसे पाकर भी जो मुझे आनंद नहीं मिला है वैसा आनंद तो देवकी की आंखों में है। चूंकि वह ब्रह्मानंद है, परमानंद है, खंडानंद है, मुक्तानंद, उसके घर में तो नित्यानंद है, उसके घर में तो महाराज ब्रह्मानंद है। रोम रोम में एक माधुर्य। अब तो रोज आता था वो झरोके में से झांककर अपनी बहन को देखा करता था। अच्छा लगता था बहन को देखना, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जैसे ये अंश आया देवकी के गर्भ में तो सर्वत्र आनंद छा गया। कंस के अनुचरों ने कहा कि आपका आचरण बदल गया है, देवकी को देखकर आपके मन में प्रीति पैदा होती है, आनंद होता है, बार बार आओगे तो कहीं ये छलावा ना हो। ये जो आठवां बालक आ रहा है ये छलावा कर रहा है, इसलिए यहां ना आया कर। कंस तेरे मन में प्रीति पैदा हो रही है, अपनी बहन के लिए इतना अनुराग, ये तेरी शत्रु है, इससे तेरा काल पैदा होगा, हम देख लेंगे। तो देवकी के गर्भ में कौन है? देवकी के गर्भ में भगवान है, वह ईश्वर की मां बन रही है। निशिथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। भाद्रपद की अष्टमी रात्र वृष धर्म प्रधान लग्न वृष रोहिणी नक्षत्र, जैसे मानो भगवान ने चंद्रवंश की जो ज्येष्ठा नारी है उसका सम्मान किया हो। भगवान ने कौन सा नक्षत्र चुना? रोहिणी। कौन से लग्न में आए भगवान? वृष लग्न में। वृष लग्न अष्टमी अंधियारी रात। कंस ने बड़े पहरे लगाए लेकिन भगवान ने आज्ञा दी योग माया को, योग माया तू धरा पर जा। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, समूचे जगत को सम्मोहित कर लेना। तू स्वयं निद्रा है इसलिए सबको गाढ़ निद्रा दे देना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तू तो स्वयं निद्रा है। एक भ्रमसा पैदा कर देना, योग निद्रा दे देना, गाढ़ निद्रा दे देना, सबके अंतःकरण में बस जाना। जैसे योग निद्रा रूप में वह महामाया आई, महामाया प्रेक्षति वह पराम्बा, जैसे ही भगवान का आदेश पाकर मथुरा पहुंची तो गाढ़ निद्रा में समूची मथुरा नगरी धीरे से हथगड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, कपाट खुल गए। योग निद्रा वह योग माया महामाया। कोई अलग 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 अनुभूतियां होने लगी। चतुरारण ब्रह्मा भगवान का वंदन करने आए। देवताओं ने विचार किया सबसे पहले प्रथम पूजन करने कौन जाए। ब्रह्मा ने कहा मैं जाऊंगा।
ब्रह्मा ने ऐसा विचार किया कि भगवान के आगमन पर मुझे उनका अभिनंदन करने के लिए धरती पर जाना चाहिए, लेकिन मैं अभिनंदन तब करूंगा जब वो गर्भ में होंगे। प्रकट हो जाने के बाद पता नहीं मैं पूरी बात कह पाऊं ना कह पाऊं, वो स्वामी हैं, वो महान हैं, पूरी बात नहीं निकल पाएगी, मुझे संकोच होगा, कुछ बड़ों के सामने पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, पूरी बात नहीं कह पाते। पुत्र इतना सम्मान करता है कभी पिता से पूरी बात नहीं कह पाता, थोड़ी बात कहेगा बाकी माँ को बता देगा, क्या पिताजी को कह देना। कुछ अच्छे लोग पूरी बात कहाँ कह पाते। मैं अनुचर, वो मेरा स्वामी, मैं सेवक, वो मेरा स्वामी, मैं उपासक, वो मेरा इष्ट है, मैं उसका जीव, वो मेरा ब्रह्म है, वो मेरा सर्वस्व है। इसलिए भगवान के आने से पहले मैं उनकी गर्भ में वंदना करूं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतने सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, ब्रह्मा के मुंह से इतना ही निकला कि तू सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच, तू सत्य है, आद्य सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मैं प्रपन्न होकर, किंकर होकर, दास होकर, सेवक होकर इतना कहने आया हूं तू सच है। अच्छा, किंकर की अपनी कोई भाषा होती भी नहीं, किंकर कहते उसको है, किम करोति स प्रयच्छति, मैं क्या करूं जो ऐसा पूछता है उसे किंकर कहते हैं। दास किसे कहते हैं जो स्वामी से पूछे घड़ी घड़ी, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। किंकर किसे कहेंगे, किम करोति, अब मैं क्या करूं, जो ऐसा पूछता रहता है वही तो किंकर है। अरे मैं तो तेरा किंकर हूं, प्रपन्न हूं, सेवक हूं, दास हूं, मैं तो किंकर हूं, ये कहने आया है प्रभु आप सत्य हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान, एक दिव्य प्रकाश का आगमन, विद्युतों से भगवान प्रकृति परमेश्वर भगवान सामने हैं, एक अपूर्व प्रकाश देवकी के गर्भ से धीरे धीरे प्रकाश, और एक दिव्य पुंज उसी में शंख चक्र गदा पद्म मीन आकृति के दिव्य कुंडल पीताम्बरधारी भगवान वेंकटेश, भगवान बद्रीश जगन्नाथ द्वारिकाधीश, भगवान श्रीनाथ मथुरेश बिहारी, वह आदि पुरुष, वह सत पुरुष, वह पूर्ण पुरुष, वह समर्थ पुरुष देवकी वसुदेव उनकी वंदना करना चाहते हैं। माँ सहसा उनके निकट आकर ये अनुभव करना चाहती है कि मेरे गर्भ से निकला हुआ ये प्रकाश पुंज जो ईश्वर है मेरा ही पुत्र है क्या। ऐसा सोचकर जब आगे बढ़ी तो नन्हे से शिशु बन गए भगवान, बिसर गई बुद्धि, उनके प्राणों की रक्षा की चिंता लगी और कहने लगी देवकी कैसे इसे बचाओ, बालक को, कपाट खुल गए, पहरेदार सो गए, बालक को कहीं छोड़ आइए, कहीं वन में, उपवन में, उद्यान में, यमुना के तट पर, पल्लवों की मैं कहीं छुपा के रखाना, संभव हो तो किसी मंदिर में रखाना, किसी ब्राह्मण के यहाँ, हरि भक्त के यहाँ, कृषकों के यहाँ, ग्वालाओं के यहाँ, हो सके तो इसे यमुना पार करके नंद भवन में यदुवंशियों के यहाँ, यशोदा के आसपास कहीं लटा कर आ जाना। इतने संकेत यशोदा ने, देवकी ने दे दिए। चंद्रमा पुष्कल हो गया, भागवत में आता है
धरती ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, प्रकृति पूरी पवित्र हो गई। स्वामी का आगमन पाकर, स्वामी आ रहा है, समूचे धरती पर आनंद आने लगा। यमुना निर्मल सी हो गई, अग्नि निर्धूम हो गई, जल पवित्र हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया, मेघाच्छन्न मेघा मेघ से घिरा हुआ गगन कुछ वर्षा तो कर रहा था लेकिन फिर निर्मल हो गया, आकाश सुंदर हो गया, चंद्रमा पूर्ण हो गया। देवकी के हाथों ने देवकी छू नहीं सकी, भगवान ने उठाया, देव वसुदेव ने उठाया, भगवान को लेके चल पड़े सूप में रखकर मथुरा से गोकुल की ओर। हौले से भवन खोला, नंद का द्वार खुल गए, योग माया वहां से उठा ली गई और प्रभु जी को उनकी निकट लेटाकर और लाला को वहां छोड़कर चले आए। ग्वालाओं ने कब ये बात कह दी जो आपने और मैंने कहनी है, वो क्या अनुभव हुआ गोप ग्वाल वालों को? ग्वाला कहते हैं, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, ओ नंद के आनंद भय, ओ नंद के आनंद भय, ओ झुम झुम नाचो गाओ, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, हरि आया छे गोकुल तारणे, गोकुल तारणे, हरि आया छे गोकुल तारणे, गोकुल तारणे, तारणे रे उबारणे रे, तारणे रे उबारणे रे, हरि तारणे रे I'm
Yeah.
चंडीगढ़ पट रानी है माँ, तो सत्य करण के जानी रे माँ, जादू क्या जोग माया, सत्य करण के जानी रे माँ, जादू क्या जोग माया, तो पारी रे कल्याणी रे माँ, जादू क्या जोग माया, तो पारी रे कल्याणी रे माँ, तू तो तीसरा युग में जानी है माँ, तो तीसरा युग में जानी है माँ, संहारे रे माँ, जाजो जोग माया, रावण आनंद।
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के आनंद को हाथी घोड़ा आनंद को लाल की हाथी घोड़ा घोड़न को लाल की नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की आरती।